जय श्री कृष्ण। आज शिविर के इस अंतिम दिन की अंतिम शुक्ला, मतलब इस शिविर का अंतिम दिन के आगे प्रयाण करें, उससे पहले मैं हमारे भावना बहन आए हैं उनको विनंती करती हूँ कि गणेश पूजन के लिए आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और जिसे हम बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे के जो रहते हैं कार्यकर्ता, वैसे हमारे आलोक भाई मधुबेन आ गए हैं शिविर के। जब शुक्रवार को शिविर थी तो गुरुवार की पूरे दोपहर से उन्होंने सब तैयारी की थी, मगर अमुक संजोगोवशात उनको जाना पड़ा वापस। तो उनको विनंती करती हूँ कि वो गुरु जी का पूजन करें। मधुबेन आप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब इस रिसोर्ट के जो मैनेजमेंट में है, जिन्होंने आपको बहुत ही सहयोग दिया है और शुरू से देते रहे हैं, ऐसे मैं युवराज भाई से विनंती करूंगी कि वो आए, वो भी गुरु जी का अभिवादन करना चाहते हैं। गुरु जी को विनंती करती हूँ कि उनका बहुमान करें। तीन दिन से जो आप रसपूर्ण भोजन का स्वाद कर रहे हो, वो हमारे विनायक भाई गोड़बोले, उनको भी मैं सिलेंडर है संस्थान में काफी दी थी। और रिसेप्शंस पे जो है श्याम भाई मैनेजमेंट के, सभी का हमको पूरी तरह से बहुत ही कोऑपरेशन रहा है, इनके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ उनके। और इस शिविर के जो मुख्य मनोरथी है वो अमित भाई का गुरुजी मानदार। व्यक्ति अपने जन्मदिन को कितने अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेट कर सकता है, ये एक विशेष प्रकार अमित भाई ने किया। 6 महीने पहले से मुझे बोल के रखा था 17 दिसंबर मेरी बर्थडे है, उसमें शिविर करनी है,
और शिव जी के अनन्य भक्त हैं, तो मुझे कहा गुरु जी ऐसा कोई विषय आप दीजिए जो शिव जी से लगा हुआ हो, और ये पूरा आयोजन आप देख रहे हैं, आज अंतिम चरण में हम पहुँचे। भगवान अमित भाई को बहुत बहुत स्वास्थ्य दे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, बहुत उनका विकास हो संपत्ति से सभी रूप से, और बस सत्कर्म में लगे रहें, यही आशीर्वाद। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदनचर्चिताय नंदीश्वरः प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय
चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। पंचाक्षर मंत्र। इसकी महत्ता ये है कि ये वेद का मंत्र है, इसलिए अपौरुषेय है, स्वयं परमात्मा की वाणी है ये। और पांच अक्षर का ये मंत्र न मह शी वा य, इसमें एक एक अक्षर शिव स्वरूप है जो हम सिद्ध कर रहे हैं पिछले दो दिन से। न कार शिव स्वरूप है, म कार शिव स्वरूप है, हमने सिद्ध किया। एक एक अक्षर महत्वपूर्ण, वेद है ना भाई। बड़ी प्यारी कथा मिलती है हमें, महर्षि याज्ञवल्क्य को अपने ही गुरु वैशंपायन से कुछ तकरार हो गई और वो तकरार भी जो हुई, वो संघर्ष भी हुआ, वो सैद्धांतिक था। आजकल जैसे गुरु शिष्यों में झगड़ा होता है वैसा नहीं था। वो आश्रम मेरा है, डोनेशन मैं लेके आया था, कोर्ट में चल रहा, ये बात नहीं थी, वो सैद्धांतिक बात थी। बात ऐसी थी कि वैशंपायन को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब ब्रह्म हत्या से सामान्य अर्थ जो हम लेते हैं कि किसी ब्राह्मण की हत्या की, नहीं, ब्राह्मण की हत्या नहीं की थी, वैशंपायन भी बड़े, अब जो याज्ञवल्क्य के गुरु होंगे वो कितने प्रभावी होंगे, वैशंपायन, उन्होंने सदस का तिरस्कार किया था, सदस का अनादर किया था। सदस मतलब ब्राह्मणों की, विद्वान ब्राह्मणों की जो सभा बैठती है जिसमें मंत्रोच्चार होते हैं, शास्त्र का निर्णय होता है, चर्चा होती है शास्त्र के सिद्धांतों की, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे कोई भी आज बिजनेस मीटिंग भी हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग हो, तो उसमें एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई चेयरमैन बैठा है, ये है, वो है, अपना बात भी अगर कुछ रखनी हो तो एक अलग तरीके से रखी जाती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बात हो रही है उसमें आप अग्री हो जाओ, शायद आप अग्री न भी हो, लेकिन विरोध जताने का भी एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक पद्धति होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। वैशंपायन ने यह प्रोटोकॉल को तोड़ा था, इसलिए सदस का अनादर किया, तिरस्कार किया। क्या हुआ कि सदस के लोग, उस वक्त जो विद्वान सब बैठे थे, उनके हृदय को दुख पहुंचा कि अरे वैशंपायन जैसे आदमी ने ऐसा क्यों किया, ऐसे महापुरुष ने ऐसा क्यों किया। अब ब्राह्मण के दिल को दुख पहुंचाना वह भी ब्रह्म हत्या के बराबर है, और इतना समझदार व्यक्ति जब कर ले तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना समझदार है उतनी ही उसकी जिम्मेदारी, अपेक्षा ज्यादा की जाती है। यह ब्रह्म हत्या का पाप वैशंपायन को लगा था। ब्रह्म हत्या का पाप निकलना चाहिए, उसका प्रायश्चित होना चाहिए। तो वैशंपायन जी के सारे शिष्यों ने आकर कहा कि गुरुदेव हम प्रायश्चित करेंगे, ये आपको जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है वो निकल जाएगा। वैशंपायन जी के सारे शिष्यों ने तपस्या की, लेकिन फिर भी ये ब्रह्म हत्या का पाप दूर नहीं हुआ।
तात्विक अर्थ भी समझते जाना, मतलब सदस्य में जिन लोगों को, सदस्य मतलब वो मीटिंग मैंने जिसे कहा, उसी के ऊपर से संस्कृत में शब्द आया सदस्य, मतलब सदस्य का जो सभ्य है वो सदस्य है। तो इनके जिनके दिल को दुख पहुंचा था वैशंपायन के वर्तन से, शिष्यों ने तपश्चर्या की, मतलब उनकी सेवा की होगी, समझाया होगा, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा, लेकिन अब जिनको दुख लग गया वो लग ही गया, वो बात प्रायश्चित हुआ नहीं, उनके मन की प्रसन्नता लौट कर आई नहीं वापस। एक बार ये बैठे थे वैशंपायन, अभी दूसरे जो शिष्य जो तपस्या कर रहे थे ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए, उस समय याज्ञवल्क्य ने कहा कि इनकी तपस्या से क्या होगा, हजार चीटियां मिलकर भला कोई मरे हुए बकरे को खींच सकती हैं, उसके लिए तो हाथी चाहिए, बकरे को अगर भगाना हो तो हाथी चाहिए। याज्ञवल्क्य ये कहना चाहते थे कि मैं कर सकता हूं, ये काम मुझे सौंपी एक बार, फिर देखो। वो सदस्य में जाकर के सभी सभ्यों से चर्चा विचारणा करके उनको समझा के ये पूरी जो वैमनस्य खड़ा हुआ है मैं दूर कर दूंगा, एक कहना चाहते थे याज्ञवल्क्य। लेकिन उसमें दूसरे शिष्यों का भी अपमान हो गया कि हजार चींटियां मिलकर क्या एक बकरे को खींच सकती है। वैशंपायन जी को ठीक नहीं लगी ये बात, याज्ञवल्क्य ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन इसमें घमंड है, अविनय है कि बाकी के शिष्य चींटियां थोड़ी हुई कि हजार चींटियां मिलकर के ये करें। वैशंपायन ने कहा याज्ञवल्क्य से कि तुम कुपात्र हो, इतना अहंकार आ गया तुमको मेरी विद्या से, मेरी सारी विद्या वापस कर दो। तो याज्ञवल्क्य ने मंत्रों को उगाल दिया, गुजराती में जिसको कहते हैं उल्टी करी, उगाल दिया, ही जस्ट थ्रू अप ऑल द मंत्र, निकाल के रख दी, ये तुम्हारे मंत्र, ये तुम्हारी विद्या। वैशंपायन ने दी हुई जो विद्या थी वो मंत्र के एक एक अक्षर मोती के जैसे चमक रहे थे। तो बाकी जो शिष्य थे उन्होंने तितिर पंखी जो आता है, गुजराती में कहते हैं तेतर, तितिर पंक्षी बनकर वो मंत्र के जो मोती थे एक अक्षर के वो चुग लिए, इसके ऊपर से वो तैत्तिरीय शाखा बनी और वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। तैत्तिरीय शाखा मतलब उगाली हुई, वो दूसरे उनकी जो विद्या थी, अब याज्ञवल्क्य के पास वैशंपायन की विद्या, और गुरु पूरे जीवन भर जो मेहनत की, वो ऐसा कोई एक या दो शिष्य निर्माण होते हैं उसके पास से सारी विद्या ले ली, तो वो विद्या कौन, बाकी के सभी शिष्यों ने वो विद्या प्राप्त कर ली, वो तैत्तिरीय शाखा हुई कृष्ण यजुर्वेद की। और याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की और यजुर्वेद की जो शाखा निर्माण की वो वाजसनेयी शाखा आई, सूर्य और उसको शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। विशेषता जो दक्षिण भारत में होते हैं वो कृष्ण यजुर्वेदी होते हैं और उत्तर भारत में जो है वो शुक्ल यजुर्वेदी। मेरी जो अपनी शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा, मतलब याज्ञवल्क्य की शाखा है। वत्सगोत्रोत्पन्नो हम शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत वाजसनेयी शाखाध्यायी भूपेन्द्र शर्मा हम। यहां पर कहने का आशय क्या है कि उगाले हुए भी जो मंत्र हैं उसका एक एक अक्षर मोती के समान है, वेद के जो मंत्र हैं मोती, इतना छोटा सा मंत्र पांच अक्षर का, लेकिन सब लोग पूछ रहे हैं गुरु जी पूरा होगा ना, पूरा होगा ना, 10-12 घंटे के अंदर भी हम जो नमः शिवाय बोलने में तो कितना आसान, इतने जिंदगी से बोल रहे थे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी गहराई ये नमः शिवाय में है,
एक एक मंत्र, वो महत्ता वेद की है। तीसरा श्लोक आइए कि बड़ा महत्वपूर्ण है ये तीसरा श्लोक, क्योंकि नमः शिवाय मंत्र में भी शी मध्यमाक्षर है। पांच श्लोकों का जो ये स्तोत्र है, छठा तो फलश्रुति है, पांच श्लोकों का जो स्तोत्र है उसमें भी ये तीसरा श्लोक मध्यमाक्षर है, और शी अक्षर भी स्वयं शिव रूप है। तीसरा श्लोक हम साथ में बोलें और उसका अर्थ भी देखें फिर। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शी पुराणों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, सर्वं वशीकृतं यस्यात् तस्मात् शिव इतीर्यते। सर्वं, समग्र जगत को जिसने वशीकृत किया है इसलिए वो शिव के नाम से पहचाना जाता। वशी का विपरीत शिव। सर्वं वशीकृतं यस्यात् तस्मात् शिव इति इर्यते। अब जिसने व्याकरण का अभ्यास किया होगा वो कहेगा लेकिन वशी में तो शी दीर्घ आता है और शिव में शी ह्रस्व आता है, ये फर्क। हाँ, वशे सर्वं यस्यास्ति स वशी, जिसके वश में सब कुछ है, सब है, वो वशी है। और मूल जो शब्द है वो वशिन, उसमें शीरस्व आता है, मूल शब्द है वशिन, उसमें शीरस्व आता है, एक ईकार उसमें रस्व है। और वो वशिन को उल्टाने पर शिव हुआ। वश्ये व शिव, बदलापुर से हमारे पनवेलकर जी आए हैं और पूरा परिवार, वैनिया सोनल बेटा गुड वेलकम। अभी बदलापुर की कथा हुई, मेरा निवास था वो। सर्वं वशीकृतम, जिसने सब कुछ वश किया है। पाणिनि का सूत्र है पुरुषोदरादीन यथोपदिष्टम, संस्कृत में ऐसा होता है कि जिसका जो लक्षण हो उसी शब्द को उल्टा लो तो उसका नाम बन जाता है। जैसे एक पशु है जंगल में, जंगल का वो राजा माना जाता है, उसका लक्षण क्या है? हिंस, वो हिंसा करता है, वो मारता है सबको, हिंस। उल्टा दिया सिंह। दूसरा एक है जो सबको देखता है, सभी को देखता है, सभी का दृष्टा है जो, उसके लिए संस्कृत में शब्द है पश्यक। पश्य मतलब तो देखना, पश्यक सबको देखने वाला, जो सभी को देखता है, पश्यक। उल्टा लो कश्यप, तो कश्यप का अर्थ है जो सबको देखता है, वो बोलता बहुत कम है, देखता सब कुछ है, जो सभी को देखते रहता है। ये उच्चन है, लक्षणों से ही तो नाम बनते हैं। ले लो हमने पश्यक ने, तो पश्यक वो बनता है कश्यप। बहुत बड़े ऋषि हुए कश्यप ऋषि, और यहां तक कि जिसको अपना गोत्र पता ना हो, पूजा करने बैठो, यज्ञ करने बैठो, तो विद्वान ब्राह्मण लोग पूछते हैं कि आपका गोत्र कौन सा है, या विवाह के समय भी, जैसे मैंने कल शिव और पार्वती के विवाह की बात की,
विवाह के समय भी पूछा जाता है आपका गोत्र कौन सा है, और कोई कहे कि याद नहीं है गोत्र, तो ब्राह्मण कहते हैं फिर अगर तुम्हें तुम्हारा गोत्र याद नहीं है, तुम्हारा गोत्र कश्यप गोत्र, काश्यप गोत्र उत्पन्नो, तो जिसे कोई अपना गोत्र याद ना हो वो कश्यप, कश्यप का पुत्र सबको देखता है। तो ऐसे ही शिव जिसने सबको वश में कर रखा है, वशी सर्वम वशीकृतम यस्यात् तस्मात् शिव इतीर्यते। प्राकृत में भी ऐसा होता है, शब्द बदल देते हैं लोग, लेकिन छोड़ो उसकी चर्चा को। ये शी अक्षर अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसा मैंने कहा मध्यम है, तीसरा है, पहला और अंतिम श्लोक चरण के समान है, दो चरण हैं। दूसरा और चौथा श्लोक दो हाथ हैं, और ये मध्यम श्लोक जो तीसरा है वो हृदय है। आप कहोगे ये कैसे पुताई किया कि बस आपको, आपको मन में तरंग आ गया किसी महापुरुष के मन में, इसलिए कह दिया। नहीं, शास्त्र में जो भी कहते हैं वो सिद्ध करना पड़ता है प्रमाण देकर। देखिए चौथा पांचवा श्लोक तो अभी आपने देखा नहीं, लेकिन पहला दूसरा तो देख लिया है। पहले श्लोक में क्या आया, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय, ये सारे लक्षण हैं जो आदर सूचक हैं। पूजा किसकी होती है, जिसके प्रति आदर हो। नागेंद्र हार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रख सकता, त्रिलोचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रख सकता, भस्मांग राग कोई सामान्य, इट इज अनयूजुअल, इट इज अनकॉमन, इट इज अबव नॉर्मल, ये है इसलिए वो पूज्य। पूजा किसकी करोगे, जो अपने से बेहतर है, जो अपने से श्रेष्ठ है, जो अपने से आगे है, ये सारे लक्षण वो सूचित करते हैं, इसलिए उनके चरणों में वंदन होता है। इसलिए प्रथम चरण, प्रथम श्लोक और चतुर्थ श्लोक ऐसा है, उसमें भी यही आएगा, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातन, जो सनातन है, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। प्रथम और अंतिम श्लोक चरण के समान है जिसकी पूजा होती है। दूसरे और चौथे श्लोक में कृति है, कर्म है, इसलिए वो हस्त के समान है, क्रिया प्रधान है ये। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, पूजा करोगे तो हाथ से करोगे, बहुपुष्प सुपुष्प सुपुष्प बहुपुष्प पूजिताय, ये। और मध्य का यह है शी अक्षर, वो हृदय के समान है, हृदय रूप है ये श्लोक। शी ही शिव है, और शी आता है श अक्षर से। शम नित्यम सुखमानंदम इकार पुरुषो मतः वकार शक्तिरमृतम तेनायम शिव उच्यते। सबसे पहला शब्द है शिवाय। शिव शब्द तीन से बनता है, श ई व। जैसे नाग का हमने किया था ना न अ ग, ऐसे शिव है श ई व, शिव। श अक्षर के कई अर्थ हैं। शन नित्यम, श अक्षर का अर्थ होता है जो नित्य है, इसलिए आया नित्याय। फिर श का अर्थ है सुखम, श का अर्थ है आनंदम, ये तीन अक्षर, तीन अर्थ श के हुए, और भी हैं लक्षण। श का अर्थ है मंगल, शन्नो वेद का ही मंत्र है, शन्नो मित्र शंवरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। देखेंगे उसका अर्थ। तो श अक्षर के इतने अर्थ हुए। ई का अर्थ है पुरुष, इकार पुरुषो मतः। यहां पुरुष का अर्थ भी केवल मस्कुलाइन जेंडर मत लेना, जिसको ही से संबोधन करते हैं
तो मराठी में कहते हैं तो आणि ती वाला पुरुष और स्त्री नहीं है। पुरुष कौन? पुरिषेते इति पुरुषः, या तो पूर्णत्वात् पुरुष, जो पूर्ण है वो पुरुष है, जिसको ये अनुभव हुआ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वह पुरुष है। तो श ई और व का अर्थ है शक्ति, व का अर्थ है अमृत, वकार शक्तिरमृतम तेनायम शिव उच्यते, ते से मिलके श ई और व मिलके हुआ शिव। अब देखिए श का, जैसे मैंने मंत्र कहा छह अर्थ हैं, शन्नो मित्र, सूर्य हमारा, शम मतलब कल्याण करे, कैसे करेगा सूर्य, मित्र का अर्थ है सूर्य, ओम मित्राय नमः, सूर्य नमस्कार में आते हैं 12 नामों में, सूर्य के जो 12 नाम है उसमें पहला ही नाम है ओम मित्राय नमः, मित्र है, दिन का देवता है। शन्नो वरुण, वरुण हमारा कल्याण करे, शम वरुण ये रात्रि के देवता है, दिन के देव हैं सूर्य, रात्रि के देव हैं वरुण। शन्नो भवत्वरियमा, अरियमा नः शं भवतु, अरियमा हमारा कल्याण करें, अरियमा आंख के देव हैं और अरियमा पितरों के देव भी माने गए हैं, हम जो पितरों को तर्पण करते हैं वो पितरों तक पहुंचाते हैं अरियमा। शन्नो भवत्वरियमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति, यहां दो आए इंद्र और बृहस्पति, इंद्र बल का देव है, बृहस्पति वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता है। शन्नो विष्णु रुरुक्रमः, उरुक्रमा विष्णु, विष्णु चरण के देव हैं। पदभ्याम विष्णु रजायत, चरण के देव हैं विष्णु। यह भी कैसे होगा देखिए, सूर्य शन्नो मित्र, सूर्य मंगलकारी हो, सूर्य मंगलकारी कैसे होगा, सूर्य दिन का देव है, इसका मतलब हमारा दिन मंगलकारी हो, दिन में हमारा कल्याण हो, कैसे होगा, दिन अगर सत्कार्य में लगे रहोगे तो दिन मंगलकारी होता है, सत्कर्म होते रहे दिन भर तो दिन मंगलकारी। शन्नो वरुण, वरुण मंगलकारी, वरुण रात्रि का देव है, रात्रि कैसे मंगलकारी होगी, विचार अच्छे होंगे, सदविचार होगा तो रात्रि मंगलकारी होगी। थोड़ा और इसमें डिटेल में जाएंगे। फिर अरियमा मंगलकारी कैसे होगा, कर्म अगर अच्छे होंगे, शास्त्र विहित कर्म किए होंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे, उससे मंगल होगा। वांग्मय जन्य इंद्र, बल हमारा मंगलकारी हो, जो शक्ति हमने दी है वो शक्ति सत्कार्य में लगे तो इंद्र मंगलकारी हुआ, वाणी अच्छी हो, बुद्धि सदुपयोग में लगे तो वो मंगलकारी बृहस्पति हुए। और शन्नो विष्णु रुक्रमः, हमारी यात्रा मंगलकारी हो, जहां भी हम जाएं अच्छे क्षेत्र में जाएं तो वो भी मंगलकारी हो गए। और ये सब मंगल करने के लिए तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपते रहो, कल्याण की भावना करते रहो तो जो भी होगा वो मंगलकारी होगा। एक अर्थ है पुरुष, जैसे मैंने कहा दो अर्थ, जो पूर्ण येने दम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, जो पूर्ण है वो पुरुष है, और पुरी शेते ये नवद्वार वाली नगरी, शरीर के अंदर जो रहता है वो पुरुष है। अब अगर आत्मा सर्वव्यापक है तो फिर
क्योंकि पूर्णत्वात् पुरुष, ऐसा जो कहा पूर्ण है वो तो सर्वत्र है, और दूसरा कहा पूरी शेते, शरीर में जो रहता है, जो सर्वत्र है वो शरीर में कैसे रह सकता है, विरोधाभास आ गए। अगर शिव ईकार जो पुरुष का है, शिव अक्षर में श ई व, प्लीज डोंट मिस द कॉन्टेक्स्ट, ईकार से एक अर्थ हुआ पूर्णत्व, पूर्णत्व है तो सर्वव्यापक है, और साथ में ईकार जो पुरुष है जो शरीर में रहता है, जो कैलाश में निवास करता है, अब जो सर्वत्र है वो कैलाश में कैसे है, या तो हम जो 12 ज्योतिर्लिंग हमने कहे सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम, ये अपने यहां भीमाशंकर, शिव तत्व यदि पूर्ण है तो सर्वत्र है, ई का एक अर्थ है पुरुष का अर्थ है जो पूर्ण है, और ई का दूसरा अर्थ आप कहते हो कि यहां विशेष रूप से है, पूर्ण है जो सर्वत्र है तो फिर वहीं पर क्यों है, वहीं पर है ऐसा नहीं कहा, हम जो पूज्य स्थान बताते हैं वहां विशेष रूप से है, वहां प्रगट रूप से है, जो सर्वत्र है वो अप्रगट है। जैसे आम के पेड़ में कोई पूछ सकता है न मिट्टी में मिठास है, न आम की लकड़ी जो है उसमें मिठास है, न उसकी टहनी में मिठास है, न पत्ते में मिठास है, तो फिर आम के फल में मिठास कहां से आ गई, क्योंकि आम का फल जो भी बना उसने कहां से खींचा, पृथ्वी में से, उसकी जो भी मिठास है वो कहां से आई, मिट्टी में से आई। अच्छा, मिट्टी में से जाते जाते वो पूरे उसके जो स्टेम है, थड़ है उसका खंभा, उसमें से आई, फिर डालियों में आई, फिर पत्तों में आई, और फिर वो फल में आई। लेकिन आप आम की लकड़ी कट कट के खाते हो क्या, नहीं। अच्छा, आम के आसपास की मिट्टी खाते हो क्या, नहीं। तो वहां तो मिठास है नहीं, फल में कैसे आ गई, आई है वो वहीं से आई है, क्योंकि इसके बाहर से तो किसी ने इंजेक्शन तो दिया नहीं, स्वीटनर का, वो आई है वहां से ही। मिट्टी में जो मिठास है, लकड़ी में जो मिठास है, डाली में जो मिठास है, पत्ते में जो मिठास है, वो सूक्ष्म रूप में है, वो अव्यक्त रूप में मिठास है, और वही जो अव्यक्त मिठास थी एकदम घनीभूत हो गई, एक चार कॉन्सेंट्रेट आकर के वो आम के फल के अंदर आ गई, और वहां पर वो मिठास व्यक्त हो गई। ठीक इसी तरह से ईश्वर तत्व कण कण में, अणु अणु में समाया हुआ है, सभी जगह फैला हुआ है, लेकिन जो हमारे जो पूज्य स्थान होते हैं, कैलाश है या अपने ये जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर वो मिठास घनीभूत हो गई, सॉलिडिफाई हो गई, कॉन्सेंट्रेट हो गई वहां पर। इसलिए ऐसे तीर्थ स्थानों में जब आप जाते हो तो अत्यंत प्रसन्नता होती है, लेकिन वो प्रसन्नता कब होगी, आम का टेस्ट क्या है वो समझने की संवेदनशीलता होनी चाहिए। या तो जिसको बुखार आया होगा उसको मीठे से मीठा आम दो, ऐसे जिनको विषय ज्वर, संसार का बुखार जिसको आया है, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस, सुविधा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा, ये विषय ज्वर जिसको आया है, उसको कैलाश में जाकर भी मिठास नहीं लगेगी, वहां भी शिव जी नहीं दिखेंगे उसको। कहने का आशय कि वहां विशेष रूप से आ गया, लेकिन वो समझने वाला, कुछ लोगों की समझ इतनी होती है कि आम को एक चखेंगे, पूरी आम नहीं, उसको काट कर भी दियोगे चख के कहेंगे ये आफूस होनी चाहिए, ये राजापुरी होना चाहिए, ये लंगड़ा होना चाहिए, ये अलग अलग प्रकार की जो होती है बता देते हैं, ये जूनागढ़ की केसर होनी चाहिए, कि समझ इतनी। ऐसे ईश्वर तत्व की भी समझ जिसको आ गई वो विशेष रूप से वहां पर अनुभव, तीर्थों का यही महात्म्य है। तो ई पुरुष दोनों है, सर्वत्र भी है, पूर्ण भी है, और पुरी शेते एक स्थान में जो रहा है वो भी है। श ई व, व का अर्थ है शक्ति, व का अर्थ है अमृत, वाति गच्छति तिवम, जो निरंतर चलते रहता है, वो चलने के लिए, निरंतर चलने के लिए भी शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहां से आती है, अमृतत्व से आती है। वम ये जल का भी देव है, वम ये जल का बीजाक्षर है, पूजा करने बैठोगे तो वहां कलश के ऊपर हाथ रख के
विद्वान ब्राह्मण कहते हैं वम वरुणाय नमः, ये वम जल का बीज मंत्र है। वो और ये तीनों का जब समन्वय होता है ना, कल्याणकारी है, सर्वत्र है और शक्तिमान है, इसीलिए शिव शांत है। विष्णु भी है शांताकारं भुजगशयनं, शिव जी के लिए भी श्लोक है, शांतं पद्मासनस्थं शशिधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं, शांत है। क्यों शांत है शिव जी? कारण है, महात्मा ने बड़ा सुंदर बात बताया, मंगलमय है इसलिए शांत है, नित्य सुख में रहते हैं, नित्य आनंद में रहते हैं इसलिए शांत है, हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं। मजाक में कहूं, ब्रह्मा जी और विष्णु बहुत बिजी रहते हैं, शिव जी शांत, उनको कोई काम है ही नहीं, शांत। ब्रह्मा जी सर्जक हैं, सृजन करना हो, कोई भी क्रिएशन करना हो तो कितनी दौड़ धूप होती है, कितना स्ट्रेस होता है, एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगाओ कितना स्ट्रेस होता है। कोई कहेगा 1.5 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की तब जाके ये फैक्ट्री बनी, एक छोटा सा कारखाना लगाने में इतनी मेहनत, सृजन करना है ना, तो ये जगत रूपी कारखाना लगाने में ब्रह्मा जी को कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा होगा, दौड़ सतत चलते रहता है। तो ब्रह्मा जी बड़े व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं, विष्णु मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो हमेशा बिजी रहते हैं, ये इधर ये हो गया, ये लाइट नहीं चलती है, वो एसी नहीं चलता है, बाथरूम का ये नल लीक हो रहा है, ये हमारा गीजर नहीं चलता है, मेंटेनेंस वाले तो हमेशा बिजी रहते हैं, विष्णु भी दौड़ धूप में लगे हुए। कोई भी प्रक्रिया शुरू करने में झंझट, शुरू की होगी तो निभाने में झंझट, बालक का भी, एक छोटे से बालक को आप जन्म दो तो कितना वो सृजन में 9 महीने तक वो माँ ही जानती है कि इतना संभालना पड़ता है, ऐधे मत बैठो, नीचे मत बैठो, झुको मत, वजन मत उठाओ, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। चलो बालक को जन्म दे दिया, फिर अरे छोटे बच्चे को तो माँ से पूछो जरा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बेटा उसकी माँ को 24 घंटे खड़ी करता रखता है, वो एक्टिव, चाकू ले लेगा हाथ में, अग्नि में उंगली डाल देगा, बालकनी पे जाके चढ़ेगा, अरे काय कर तो, क्या कर रहा है, क्या कॉन्स्टेंट वो मेंटेन करना, मतलब 24 घंटे उसके अंदर ध्यान रहे, वो क्या करता होगा, क्या करता होगा। अब एक बच्चे को संभालने के लिए आप इतनी बिजी रहती हैं, ये करोड़ों करोड़ों बच्चों को संभालने में विष्णु कितने बिजी रहते होंगे, न जाने कौन कभी क्या कर दे, तो विष्णु भी बहुत बिजी हैं, और इतने शरारती हैं ना, एक एक कम है क्या, इतने शरारती बच्चे, इतने नटखट बच्चे, तो विष्णु भी बिजी, बचे एक शिव जी, कोई काम ही नहीं है उनको, संहार का काम है वो तो प्रलय के समय करना है ना, आप जिसको मृत्यु समय, लोग क्या कहते हैं मृत्यु के देव, मतलब ये 100 साल अपने पूरे हो गए, राम बोलो भाई राम, वो शिव जी करते हैं, क्या समझ रखा है आपने शिव जी को, वो तो प्रकृति करती है शिव जी, वो दिन में जो इतने लोग मरते हैं वो शिव जी नहीं करते वो सब, इट्स टू बिलो फॉर हिम, यही मरने मारने का काम शिव जी नहीं करते, ये तो प्रकृति करती है, क्योंकि आप समझते हैं मृत्यु हुई, वो मृत्यु थोड़े ही हुई, वो तो केवल आपने एक वस्त्र बदला है, वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परं, तो शरीर बदला आपने, आप तो रहे, आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु को जो हम मृत्यु समझते हैं वो मृत्यु है ही नहीं, वो तो हमारा अज्ञान है, वो कहां मृत्यु है, तो वो शिव जी का, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु जी चला रहे हैं, जब प्रलय की बात आएगी, महाप्रलय जब होगा तब शिव जी कहते हैं तभी हमारा काम है ना, तब बुलाना, अब क्या कहें, बैठे हैं कैलाश में, दो ही काम करते हैं शिव जी, कोई काम ही नहीं है ना उनको, और अच्छा है शिव जी को काम नहीं है इसलिए हम बैठे हैं,
शिव जी अगर बिजी हो जाए तो हम नहीं रहेंगे फिर। बैठे हैं शिव जी, शिव जी क्या करते हैं फिर, दो काम उनके लेकर बैठे हैं, एक तो समाधि में रहते हैं बस, दूसरी शिव जी राम कथा सुनाते हैं। शिव जी को कथा सुनाने में बड़ा, या तो कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, ये शिव जी को ध्यान में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, जो हम शिविर करते हैं ना वही शिव जी हमेशा करते हैं। हम शिविर में दो ही तो काम करते हैं, ध्यान करते हैं और सत्संग करते हैं, बाकी आप लोग जो करते होंगे वो तो। और शिव जी एक तीसरा काम करते हैं, जब कुछ है ही नहीं उनको, तो शिव जी देखते हैं कोई भक्त है, कोई बुलाने वाला है, और थोड़ा सा भी भक्त जरा सा उनका याद कर ले, उनका स्मरण करे कि शिव जी दौड़ते हैं उस पे रूपरा करने के लिए, इसलिए शिव जी का एक नाम हुआ आशुतोष। आशु का मतलब है तुरंत, और तोष का मतलब प्रसन्न, जो तुरंत प्रसन्न, क्योंकि फ्री बैठे हैं ना, वो राह ही देख रहे हैं, कोई बुलाता है मुझे, कोई कहीं से पुकारता। ब्रह्मा जी के पास जाओगे तो ब्रह्मा जी कहेंगे आज भी जरा बिजी हूं, विष्णु के पास जाओगे विष्णु भी कहेंगे जरा बिजी हूं, इतनी बड़ी सृष्टि चलानी है, बिजी हूं, तेरी फाइल पेंडिंग में रख जरा देखेंगे। शिव जी के पास फाइल भेजो तो तुरंत साइन हो जाती है, तुरंत आशुतोष, क्योंकि और कुछ काम ही नहीं है ना। रोज देख, दूसरा एक उदाहरण, ज्वाइंट फैमिली हो और छोटा बच्चा भी जानता है उसका काम कैसे होता है। शुरुआत में बच्चा कोशिश करता है पापा के पास जाके, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा कह रहे बैठ, पूरे अब दिसंबर महीना आया, मार्च में पूरा एंडिंग हुआ, पूरा हिसाब कर लेता हूँ कैसा है वैसा है, एडवांस टैक्स भर ले, वो तो हो गया ना, एडवांस टैक्स गया चलो, लेकिन ये भरना है तो जरा बिजी हूँ इम्पोर्टेंट काम में। पापा के पास बेटे का काम नहीं बना, चाचा के पास दौड़ता है, चाचा चाचू 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 कहते हैं ठहर, तेरे डैडी ने मुझे भी काम सौंप के रखा है थोड़ा, कि इतना ये तू देख ले जरा। चाचू भी बिजी है, अब क्या करेगा, वो दादाजी के पास जाएगा, दादाजी रिटायर्ड हैं, 80 साल की उम्र है, बैठे हैं, कुछ और काम है ही नहीं, तो बेटा जाके दादा दादा, हाँ बेटा, दादा मतलब वो हिंदी वाला दादा, मराठी वाला दादा नहीं, मराठी वाला दादा वो बड़ा भाई, लेकिन हिंदी और गुजराती दादा आजोबा, वो बैठे हैं ऐसे, दादा अरे आओ बेटा, तेरी ही राह देख रहा था, क्या है बोल, चॉकलेट, अच्छा अरे चलो अभी। दादा सोचा चलो मुझे आधे घंटे की एक्टिविटी तो मिली, बेटे को लेकर पोते को लेकर नीचे उतर रहे, जरा दुकान में जाएंगे, दो आदमी वहां मिलेंगे, चॉकलेट दिलवाएंगे, बेटा खुश हो जाएगा। तो ये शंकर है ना, वो दादा है, महादेव है, रिटायर बैठा है, कुछ है ही नहीं काम, और ये रिटायर नहीं, अभी तो उसकी एक्टिविटी ही शुरू होनी बाकी है, तो रिटायर तो नहीं कह पाओगे उसके, क्यों सब हो गया। ब्रह्मा जी पिताजी हैं बिजी हैं, विष्णु अंकल है वो भी बिजी है, ब्रह्मा ने सर्जन किया तो वो पिताजी हुए, वो बिजी हैं, विष्णु जी अंकल हैं वो भी बिजी हैं, ये दादा बैठे हैं आजोबा, शंकर भगवान फ्री। तो कोई भी भक्त जैसा उनके पास पहुंचता है, महादेव हाँ हाँ चल, तेरी राह देख रहा था मैं, चल। इसलिए आप देखो पुराणों में इतनी सारी कहानियां हैं, आप देखोगे बड़े बड़े राक्षस भी गए छोटी सी तपस्या कर दी और शिव जी प्रसन्न हो गए, बाणासुर हो, कितने कितने वृत्रासुर हो, ओहो कितने राक्षस, ऋषि मुनि तो बहुत ही हैं, लेकिन राक्षसों में ये शिव जी बड़े प्रसन्न है। वह अमृत शिवंतु मोक्षे क्षेमे सुखे जले शिवो योगांतरे वेदे। शिव शब्द के भी अलग अलग अर्थ हैं। शिव का एक अर्थ है मोक्ष, मोक्षदाता शिव जी। अब देखिए भाई ये भी ध्यान रख लेना कि मोक्ष कोई देने दिलाने की वस्तु है नहीं, मोक्ष कोई ऐसे फूल की तरह तो ये नहीं, बड़ा सुंदर सा कमल का फूल ये मैंने दे दिया तो चलो मोक्ष तुम्हें दे दिया, ऐसी बात तो है नहीं। मोक्ष, मोक्ष तो देने की बात नहीं है, मोक्ष उपलब्धि है। वो कैसे मिलती है, ज्ञान होने पर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, और वो ज्ञान के दाता शिव जी है। वो ज्ञान कौन सा,
स्वस्वरूपावस्थान, विवेक चूड़ामणि पर हमने शिविर की थी श्रीमद आदि शंकराचार्य जी की, उसमें आदि शंकराचार्य जी का बहुत सुंदर श्लोक है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्ष कारण सामग्र्या, मोक्ष की जो सामग्री है उसमें भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, तो फिर भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम, स्वस्वरूप का अनुसंधान, मैं कौन हूं। अब ये भी स्वस्व दो बार हुआ देखो, नहीं तो स्वरूप में आ गया ना, स्वरूप अपना रूप, लेकिन हमने रूप को ही स्वरूप कह दिया, इसलिए श्रीमद आदि शंकराचार्य जी को एक और स्व लगाना पड़ा, स्वस्वरूप। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। दुनिया में हम सब कुछ जानते हैं सिवा अपने आप के, दुनिया में हमने हमको सबके बारे में सब कुछ पता है सिवा अपने आप के, हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। बाकी दूसरों के बारे में बोलने को कहो तो इतना बोलेंगे, इतना 3 दिन में इसको पूरा जान लिया, क्या जाना तूने, कहते 3 दिन साथ में थे, पूरा का पूरा जान लिया। 3 दिन में तूने दूसरे को जान लिया, ये 30 साल में तूने अपने को जाना, या 60 साल में तूने स्वयं को जाना। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधि। तो शिवम तु मोक्षे क्षेमे, शिव का एक अर्थ दूसरा है क्षेम। स्वस्वरूप का जो ज्ञान कराते हैं ना वो शंकर कराते हैं, इसलिए शिव का अर्थ मोक्ष, शिव का अर्थ है क्षेम। क्षेम का अर्थ क्या होता है? क्षेम भी भगवान कराते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक अपनी स्मृति में है, स्मृति साहित्य जो अपना है, स्मृति ग्रंथ मतलब कोड्स, कैसे बिहेवियर करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, उसके जो दिशा सूचन की वो स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति, अंगिरा स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, ये बड़े बड़े विचारक हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, उन्होंने कोड्स दिए अपने अपने समय में कि समाज में ऐसे जीना चाहिए। व्यक्ति से मिलो तो उसको क्या पूछो, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो लोग आज कहते हैं ना हाय, ये शुरुआत ही हाय से करते, कोई भी मिला हाय, शुरुआत ही उससे, हाँ अभी हाय का हे हो गया, हे हाउ आर यू, कूल, ठंडे ही हैं सब, कोई गर्म होता ही नहीं, सब ठंडे। वार्म होना चाहिए व्यक्ति, कूल होना चाहिए, व्यक्ति की वार्म्थ उसकी ये है, उष्मा होनी चाहिए उसमें। छोड़, किसको क्या पूछे, तो स्मृतिकार कहते हैं ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्र बंधु मनामयम वैश्यम क्षेमं समागम्य शूद्रम आरोग्यमेव च। किसी ब्राह्मण से मिलो, विद्वान ज्ञानी मां ब्राह्मण से मिलो तो उनसे कुशल पूछो, उनसे पूछना है? कैसे हो, केम छो, कशे आहात, असना हाउ आर यू, नहीं कुशल हो ना। ब्राह्मण को जब मिलो तो उससे पूछना कुशल हो, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छे। कुशल शब्द के भी अर्थ मैं चलता ही जाऊंगा, एक एक शब्द के अंदर के शब्द के अंदर के शब्द के अंदर। कुशल शब्द किसे कहते हैं? कुशान लाती इति कुशल, जो अलर्ट है, जो बुद्धिमान है वो कुशल है। कुशान ला, पुराने समय में जब विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ने के लिए जाता था, जैसे अपने अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाओ तो अभी एडमिशन टेस्ट होती है ना, मेडिकल में एडमिशन चाहिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन टेस्ट होती है। तुम अपने ही कॉलेज में कितने परसेंटेज लाए वो एक बात है, वो एडमिशन टेस्ट में कितने आए उसके ऊपर से वो एडमिशन देते। ऐसे वो गुरु के पास भी जब जाते थे विद्यापीठ में पढ़ने के लिए,
तब गुरु परीक्षा लेता था, और वो तो 7 साल का बालक आया है यज्ञोपवीत धारण करके, उसकी बेसिक कैपेसिटी कैसी है वो कैसे पता चलेगा। गुरु काम सौंपते थे कुछ, इतना काम करके आओ। उसमें एक काम होता था कुशान आनय, कुश लेकर आओ। अब कुश इज अ टाइप ऑफ ग्रास जो यज्ञ में काम आता है, जो आसन बनाने में काम आता है, बड़ा अच्छा वो घास, कुश दर्भ जिसको कहते हैं ना, तो कुश लेकर आओ। अब जंगल में रहता तो बहुत था वो कुश, लेकिन उसको निकालने की एक पद्धति होती। जैसे आप घास देखोगे और उसको पकड़ के यूं खींचने जाओगे, कुश को यूं खींचने गए तो हाथ कट जाएगा, लहू आएगा उसमें से। वो कुश की रूट में से जाकर उसकी एक ही जगह ऐसी होती है कि वहां जाकर ऐसे तोड़ना उसको होता है, और तब वो ले आए। जब लाकर वो कुश रखता था, गुरुजी उसके हाथ देखते थे कैसे लाया है, और वो अच्छी तरह से समझ कर लाया है। तो इसमें कुशान लाति इति कुशल, जो कुश को लेकर आया वो कुशल, बुद्धिमान है वो, समझदार है वो, कि स्वयं को नुकसान न पहुंचे और काम सफल करके आता है, तो उसको कहता था कुशल। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कुशल, क्यों? क्योंकि समाज में उसको रहना है, वो समाज में रहना है जिसमें जो वो कहना चाहता है उसकी किसी को आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण शास्त्र पढ़ते हैं, ब्राह्मण ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, ब्राह्मण भक्ति की बात करते हैं, ब्राह्मण भगवान, ये भगवान किसको चाहिए बोलो? ये समाज पे ठीक है, मैं आपकी बात नहीं करता हूं, बाहर वालों की बात करता हूं। भगवान एक ऐसी कॉमोडिटी है जो किसी को चाहिए ही नहीं, और हम वो बेचने बैठे, बेचने नहीं बांटने बैठे। अब ये कोई बुद्धिमानी का काम है? प्रोडक्ट अगर आप लेकर बैठो तो ऐसी प्रोडक्ट लेकर बैठो जिसकी डिमांड है। प्रॉपर्टी मार्केट में देखो, रोज अप्रिशिएट होता है, तो बुद्धिमानी का काम है। जमीन आज ली, 2 साल के बाद 3 गुना पैसा हो गया, वो बुद्धिमानी का काम है। भगवान तो है, कहाँ जाने वाला है, किसी को चाहिए नहीं, किसी को जल्दी नहीं है उसकी। जाकर कहो भाई भक्ति करो, हाँ भक्ति करनी है, लेकिन क्या है अभी जरा ये वीकेंड में, मतलब तेरी भक्ति को रहने दे, मुझे इंपॉर्टेंट। जिस माल की कोई डिमांड नहीं है वो माल डिस्ट्रीब्यूट करने चले हैं, उसकी डीलरशिप लेके रखी है, तो बड़ा कठिन काम है ब्राह्मण का, जो किसी को चाहिए नहीं वो देना, जिसकी किसी को आवश्यकता महसूस नहीं होती, वो है आवश्यक लेकिन आवश्यकता लगती नहीं है किसी को। वो स्वाद लेने के बाद पता चलता है, ओहो हो अभी तक ये मिस कर रहे थे हम, लेकिन जब तक चखा नहीं और चखने की इच्छा भी नहीं, ऐसी बात है। कठिन काम है, वो कठिन काम को सफल करने के लिए कुशलता चाहिए ब्राह्मण के पास, अलर्टनेस चाहिए। और तीसरी बात कहूं, ब्राह्मण का कर्तव्य हमेशा विपरीत परिस्थिति में काम करना होता है। एक बार व्यक्ति भगवान के मार्ग पर आ गया, भक्ति के मार्ग पर आ गया, फिर ब्राह्मण की आवश्यकता कम रह जाए, फिर उसको जहां कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, जहां कहीं छोटा मोटा विघ्न आ गया तभी जरूरत है। एक बार व्यक्ति सही मार्ग पर चढ़ गया, व्हेन इज ऑन द राइट ट्रैक, फिर ब्राह्मण की क्या जरूरत है? तो हमेशा वो कहां रहेगा जो प्रभु के मुझे कई बार लोग कहते हैं ये संत है वो संत है, गलत प्रकार के आदमी, कभी हमें भी कहते हैं ना, वो आदमी ठीक नहीं है, जरा ध्यान रखना, उसकी आदतें गलत है, ऐसा होता है वैसा। ठीक है, मैं उनकी बात, उनकी हमदर्दी, उनकी जो भावना उनके हृदय के पीछे मैं समझ लेता हूँ, लेकिन मैं अपने मन में कहता हूँ कि ऐसा है, अच्छा कहा तूने, अच्छा बताया तूने मुझे, अब मुझे क्या काम करना है वो मुझे पता चलेगा। क्योंकि कई बार होता है ना, व्यक्ति में कोई ऐसे दोष हो तो हमें पता नहीं चलते, हमारे सामने तो सब एकदम इतने अच्छे भले खासे बनकर आते हैं एकदम, तो मालूम नहीं पड़ता कि जरा क्या छिपा हुआ है इसमें। तो कोई आकर बता देता है, मैं उसका धन्यवाद अदा करता हूं, अच्छा हुआ तुमने बताया,
लेकिन तुम्हारे बताने से इस व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें यह दोष है तो अधिक आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है मेरी, रखेंगे उसको पास में ताकि धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद वो दोष दूर हो जाए। क्योंकि हम ये मानते हैं दोष को दूर करो, दोषी को नहीं। दोषी को ही हटा देंगे तो फिर वो तो दोष से भरा ही रहेगा, फिर हमारी जरूरत ही क्या है। अगर अच्छे अच्छे लोगों को ही रखना था तो अच्छे तो है ही, अच्छे अच्छे अवश्य रहे साथ में, उनकी भी आवश्यकता है। अच्छे लोग हमारी शक्ति बढ़ाते हैं और दोष वाले जो लोग हैं वो हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं, वो चैलेंज है एक। तो किसी संतों के पास, महापुरुषों के पास, गलत व्यक्ति को, नारद जी के पास अगर रत्नाकर लुटेरे को देखा होता और नारद जी कहते अरे ये तो लुटेरा है, मैं क्यों चलूं, चलो चलो चलो, तो वाल्मीकि मिलता ही नहीं हमें। दोषी चाहिए, दोष निकाल दो, व्यक्ति तो अच्छा ही है। प्रयत्न तो करें, हम सफल हमें होना है, हम हों सफल ना हो ये भगवान की मर्जी है, पर अनुभव तो ये कहता है भाई जब हमारे प्रयत्न सफल नहीं होते ना तो थोड़े समय में वो दोषी व्यक्ति ही दूर चला जाता है। उसको लगता है ये अपने भैया सुधरना अपना काम नहीं है, तो वो ही खुद दूर हो जाएगा, हम तो वहीं के वहीं। ब्राह्मण कुशल इसलिए चाहिए कि विपरीत संजोगों में रह करके उसको अलर्ट रहे, कहीं वो स्वयं दोष का शिकार न बन जाए। इसलिए ब्राह्मण से जब भी मिलो, कुशल है ना, कुशल है ना, ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत, अलर्ट चाहिए व्यक्ति। जैसे डॉक्टर हैं, किसी डॉक्टर से कहो कि बीमारों से मिलना मत, तो डॉक्टर कहेगा फिर मेरी जरूरत क्या है, अगर बीमारों से मिलना नहीं है तो मेरी जरूरत क्या है। हाँ, लेकिन डॉक्टर जब बीमारों के बीच में जाता है तो खुद वैक्सीनेशन लेकर जाता है ताकि वो बीमारी का चेप, इन्फेक्शन वो लेकर ना आए। ठीक इसी तरह ब्राह्मण जब दोष वाले लोगों के बीच में जाता है, कोई संत महापुरुष ऐसे लोगों के बीच में जाता है, वो इतना सावधान रहता है कि इसका दोष मेरे में ना आ जाए, मेरा सद्गुण उसमें जाए तो चलेगा, और इसी के लिए उसको मेरे पास में रखा है, लेकिन उसका दोष मेरे पास में नहीं आना चाहिए। ये ब्राह्मण की कुशलता है। ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्रबंधुमनामयम। क्षत्रबंधु, क्षत्रिय को किसी से मिलो तो क्या पूछोगे, अनामय, सुरक्षित होना, क्योंकि क्षत्रिय दूसरे की रक्षा करता है, मतलब आपके काम में कोई विघ्न नहीं आ रहा है ना, कोई तकलीफ तो नहीं पड़ रही है ना, अनामय होना, ये पूछो। वैश्यम क्षेमम समागम्य, वैश्य कोई मिले तो उससे क्षेम पूछो। क्षेम का अर्थ क्या है, आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है भगवद गीता में, योग क्षेम समझाते हुए नवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं ना योग क्षेमम वहाम्यहम, योग क्षेम की रक्षा मैं करता हूं, तो आदि शंकराचार्य जी ने व्याख्या की योग क्या है, अप्राप्तस्य प्रापणम योग, प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेम, जो अभी तक मिला नहीं है वो मिले उसको कहते हैं योग, और जो मिला है वो टिका रहे, वो संभाल के रहे उसको कहते हैं क्षेम। तो जब वैश्य से मिलो, किसी व्यापारी से मिलो, उसे पूछो क्षेम है ना, जो कमाया हुआ बराबर है ना, नहीं तो आज कमाओ कल चला जाए, आज कमाओ कल चला जाए, तो मेहनत करने का मतलब क्या है, जो कमाया वो टिकना चाहिए। वैश्य से मिलो तो पूछना क्षेम है ना सब, अभी तक जो मेहनत की पिछले 5 साल में 10 साल में 20 साल में, उसको क्या कहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट ना, वो करके रखा है ना, नहीं तो इंडेक्स में 500 पॉइंट नीचे और तुम्हारा बीपी 10 पॉइंट नीचे या ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। क्षेम वैश्य से पूछो। ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्रबंधुमनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्य,
शूद्रमारोग्यमेव च, किसी शूद्र से मिलो तो उससे कहना तबीयत कैसी है। अब हमने सबको शूद्र बना रखा है, जिससे भी मिलते हैं तबीयत है ना, तबीयत अच्छी है ना, सबको शूद्र बना रखा आपने। शूद्रम आरोग्यमेव च, क्यों? क्योंकि शूद्र का काम है परिचर्यात्मकम कर्म, उसको सेवा करनी है। सेवा करने के लिए अपना स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं पूरी वो शूद्र का, क्योंकि शूद्र का भी लोगों को क्या होता है, शूद्र मतलब अनटचेबल, वो मत समझना, इसके लिए दूसरे प्रवचन सुनना मेरे, मैंने पहले कह दिया है। शूद्र किसको कहते हैं? शुचा त्रवते इति शूद्र, दूसरे की वेदना को जो सहन नहीं कर सकता, दूसरे की तकलीफ को जो सहन नहीं कर सकता और वो खुद दौड़ा चला जाता है, वो शूद्र भाव है। एक ही उदाहरण दो, हमने चमार को जो मूंछी है ना उसको शूद्र कहा, अब उसको तिरस्कार की दृष्टि से मत देखना, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हजारों वर्ष पहले लोगों के पास जूते नहीं थे, सब खुले पैर घूमते थे जंगल में, किसी को कांटा लग गया होगा और कांटे से फिर इतनी वेदना होती है, वो लंगड़ा लंगड़ा चलता है, उसमें से वो पक जाता है, सब वेदना उसको इतनी होती है, बेचारा 2-3-4 महीने तक सफर करता होगा वेदना से। ये किसी ने देखा होगा कि छोटी सी बात इसके बेचारे की, चलते हुए जा रहा था, रास्ते में कांटा लग गया, 4 महीने तक वो बेचारा परेशान हो रहा है, उसकी वेदना ये सहन नहीं कर पाया होगा, उसने सोचा होगा कि क्या करें तो ये तकलीफ मनुष्य को ना हो। ऐसा नहीं होता कि उसके पैर के आसपास कुछ लपेट ले ताकि ये कांटे कंकड़ उसको लगे नहीं, क्या करें, क्या लपेटा जाए, कैसे करेंगे? हजारों वर्षों पहले की बात कर रहे हैं, लाखों वर्षों पहले की। उसने सोचा होगा पेड़ का छिलका निकालो और पेड़ के छिलके को ऐसे नीचे रख दो, फिर जो बेल हैं बेल लगा दो, वाइन्स उससे बांधो तो लगता है, लेकिन कितना अनकंफर्टेबल होता होगा पेड़ का छिलका अपने नीचे बांधा है, उसके ऊपर बेल बांधे, जैसे कभी पुराने जमाने होता ना चप्पल टूट जाए तो रुमाल से बांधते थे, कितनी तकलीफ पड़ती है वो चलने में। धीरे 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 उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, टेक्निक्स बढ़ती गई और आज जो आपके पास शूज हैं, चप्पल हैं, ये सब हैं, ये शूद्र की रचना है। क्यों? ताकि आपके पैर में दर्द न हो, आपकी वेदना वो सहन नहीं कर सकता। अब बोलो उसको अनटचेबल कह के तिरस्कार करोगे, उसका अस्पृश्य कह के? शूद्र बड़े महत्वपूर्ण होते। तो ये वृत्ति जिसकी है कि जहां भी किसी की वेदना देखी, जहां भी किसी की समस्या देखी, वो दूर करने का प्रयास जो करता है, ऐसा व्यक्ति शूद्र, उसको हमेशा पूछो तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि उसका अपना स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो दूसरे को ठीक करने जाएगा। क्षेम, शिव का अर्थ है क्षेम, क्षेमकारी है भगवान शंकर। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, शं कल्याणं भवति इति शंभव। इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या है, मयो भवाय च, मयः सुखं भवति इति मयो भव, जो सुख देता है, मंगलमय है वो, मयः करोति इति मयस्करः। अब ये शुक्ल यजुर्वेद है, मैंने कहा ना याज्ञवल्क्य का वाजसनेयी संहिता, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवा, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च। यही बात कृष्ण यजुर्वेद में जो याज्ञवल्क्य जी ने उगाल के निकाल दिया ना, वो कृष्ण यजुर्वेद में नमः शंभवे च मयो भवे च ऐसा मंत्र बन गया वो, और यहां नमः शंकराय च मयस्कराय च। क्षेम है शिव का एक अर्थ, वही क्षेमा पार्वती का भी नाम है, क्षेमा उमा, पार्वती का एक नाम है क्षेमा, उमा तो प्रसिद्ध है लेकिन क्षेमा वो भी कल्याणकारी है, क्षेम कल्याणी पार्वती है।
हरति पापानीति हरः, शिव जी को जो हर कहते हैं वो। शिव शब्द का एक अर्थ है जल, इसलिए शिव को जल का भी अधिष्ठाता देव माना है, शिवम जलम, इसलिए शिव जी को जलधारा प्रियो शिव, उनका अपना स्वरूप है, शिव जी के ऊपर जलधारा चलती रहे। कुछ लोग होते हैं, हमने पूरा श्रावण महीने में शिव जी पर जल की अभिषेक किया लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अब हमने सोचा है शिव जी का पानी बंद। शिव जी का पानी बंद तू करेगा? शिव जी तेरा पानी बंद करे तो पता चलेगा, क्योंकि वो स्वयं जलमय है, शिवम जलम। पांचों भूत जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांचों के अधिष्ठाता देव माने गए। पृथ्वी के अधिष्ठाता देव है गणेश, जल के अधिष्ठाता शिव जी, तेज के अधिष्ठाता सूर्य, ऐसे अलग अलग। शिव का अर्थ है सुख, शिवाय हाह। तीसरे श्लोक के पहले शब्द से ही आगे नहीं बढ़े हैं, शिवाय। शिव का एक अर्थ है सुख। देखिए शंकर, श का अर्थ था मंगल, शिव का अर्थ है सुख। आप कहोगे सुख और मंगल एक ही तो हुआ? नहीं, सुख और मंगल में भी फर्क है। सुख हमेशा मंगलकारी हो यह आवश्यक नहीं, कई बार दुख भी मंगलकारी होता है, ये समझते हैं? तो सुख और मंगल समान नहीं हुए। सुख का अर्थ है अनुकूल संवेदन, हमारी जो इच्छा हो, हमें जो अनुकूल हो वैसा हो जाए उसको कहेंगे सुख। लेकिन हमें जो अनुकूल हो वैसा अगर होता रहे तो उसमें हमारा मंगल हो ही, ये आवश्यक नहीं है। डायबिटीज वाले को अनुकूल है कि मिठाई मिल जाए, अब देखो डायबिटीज भी है और मिठाई अनुकूल है, मिल गई, क्या उसका मंगल हुआ, उसका क्षेम हुआ? नहीं, उसको मिठाई न मिले उसमें उसका मंगल है। तो सुख मंगलकारी होगा ही, ऐसा नहीं है, कभी कभी दुख भी मंगलकारी होता है। तो शिव क्षेम तो है, साथ में सुख भी है, सुख भी है और क्षेम भी है। वो सुख को क्या करें जो बाद में दुख दे, उससे तो वह दुख भला जो बाद में सुख दे। संसार में यही गलती होती है कि लोग ऐसे सुख के पीछे भागते हैं जो बाद में दुख देता है, उससे तो ऐसे दुख का स्वीकार कर लो जो बाद में सुख दे। ये शिव तत्व है, ये शिव समझाते हैं। शिव शब्द का अर्थ है योग, योग के भी कई प्रकार बताए, क्रिया योग, तपो योग और जप योग। शिव में ये तीन, क्रिया योग भी है, तप योग भी है और जप योग भी है, ये तीनों योग शिव योग बताए हैं। क्रिया योगी कौन है? जो हमेशा पूजा पाठ ये सब करते रहता है, क्रिया योगी। प्राणायाम ये सब करते रहता है, क्रिया योगी। तप योगी कौन है? जो ये पूजा पाठ तो करेगा, क्रिया योग तो करेगा, साथ में परोपकार के लिए स्वयं कष्ट सहन करेगा, वो तप योगी है। भागवत कथा में तप समझाते समय में हमेशा कहता हूं, तप क्या है? किसी भी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए उठाया गया कष्ट, सुनो याद है ना मेरा, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी ध्येय को सिद्ध करने के लिए उठाया हुआ कष्ट, उसको कहते हैं तप। तो ये नित्य कर्म पूजा पाठ वो तो करता ही है, जो क्रिया योगी करता है वो तो करता है, क्रिया तपोयोगी क्रिया योगी से एक कदम आगे है। क्रिया योगी केवल पूजा पाठ करके बैठ जाता है, तपोयोगी ये सब करने के बावजूद परोपकार करता है और परोपकार के लिए स्वयं कष्ट सहन करता है, वो तपोयोगी है।
और जप योगी क्रिया योग करता है, तप योग करता है और निरंतर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप चलते रहता, अजपा जप जो श्रेष्ठ है, अजपा जप जप योगी। ये दो अक्षर शिव भी कोई बोल दे ना, मोक्ष हो जाता है, कल्याणकारी। चलो आगे बढ़ना होगा। शिवम मोक्षे शिवम क्षेमे शिवम तो ये शिवम सुखे शिव शंभो शिवो वेदे शिवो योगांतरे त्रिधा। ये शिव शब्द के अर्थ, शिवम मोक्षे देख लिया, शिवम क्षेमे क्षेम, शिवम तोये का अर्थ है जल, शिवम सुखे शिव का अर्थ है सुख, शिवम शिव शंभव शंभु, शिवो वेदे शिव का अर्थ है वेद, और शिवो योगांतरे त्रिधा शिव का अर्थ है तीन प्रकार का योग, ये जो क्रिया योग तपो योग और जप योग। नमः शिवाय शिवाय, फिर कहा गौरी वदनाब्ज, शिव की भक्ति करनी हो ना, तद्रूप होना हो तो कल्याण कैसे होता है। सृष्टि का दर्शन करोगे तो शिव से प्रेम किए बिना, परमात्मा तत्व से प्रेम किए बिना रह नहीं पाओगे। सृष्टि का दर्शन, हम संसार की ओर केवल भोगवादी दृष्टि से देखते हैं। संसार में कोई भी आए तो मेरे काम में क्या आ सकता है, मेरे काम में क्या आ सकता है, ये भोगवादी दृष्टिकोण है। और भोगवादी दृष्टिकोण संसार के सौंदर्य का ध्वस्त कर देता है। जो भी मेरे काम में क्या आएगा, मेरे काम में क्या आएगा, ये करते रहे तो सौंदर्य को खत्म कर दिया तुमने। सौंदर्य के शोषक मत बने, सौंदर्य के पोषक बने, और पोषक से भी आगे चलकर सौंदर्य के पूजक बने। ये शिव दृष्टि, जहां भी सुंदर है वहां पर वासना का दर्शन न करते हुए वहां वासुदेव का दर्शन करें। ये सौंदर्य का उपभोग मैं कैसे करूं ये सोचने के बजाय, ये सौंदर्य का बनाने वाला कितना सुंदर होगा उसको ढूंढें, तो आप परमात्मा के समीप पहुंचोगे। और सृष्टि में इतने रहस्य हैं, इतने रहस्य हैं, जितनी जितनी सूक्ष्म दृष्टि होती जाएगी ना, इतने इतने सृष्टि के रहस्य सामने आते जाए, सृष्टि की गहराई का पता चलेगा, सृष्टि के सौंदर्य का पता चलेगा, और तब आप परमात्मा की भक्ति किए बिना रह नहीं सकोगे। तब आपके लिए भक्ति एक सहज प्रक्रिया होगी। जितनी सहजता से आप एक 7 साल के संस्कारी बालक को चॉकलेट दो और वो तुरंत सुंदर सा स्माइल देकर थैंक यू अंकल या थैंक यू आंटी का कितनी सहजता से कहता है, उतनी सहजता से आप प्रतिक्षण परमात्मा की भक्ति करते रहोगे अगर सृष्टि के रहस्य को देख पाए। देखना, चलो इसी से बात करें। आंख नाम की एक छोटा सा ये मशीन बिठा दिया है, हम कहते हैं हमारी आंखें कितनी सुंदर, कितना अच्छा है। आपको पता है हम अंधेरे में देख नहीं पाते, लेकिन वो कुछ जंतु ऐसे हैं, वो छिपकली है, आउल है, वो अंधेरे में ही देख पाते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा फिटिंग एप्स आता है ना आजकल, एप्स कुछ ज्यादा डाउनलोड करो, आपके कंप्यूटर में इतना है लेकिन ये बात नहीं आती है, तो क्या करो, ये एक ज्यादा सॉफ्टवेयर कुछ है ना ऑनलाइन, वो डाउनलोड कर लो तो फिर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एप्स ही कहते हैं ना उसको, किम कोई बोलतू नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, शू क्या बेटा,
ऐप्स ना, हाँ वो ऐप्स डाउन करो, डाउनलोड करो एप्लीकेशंस, हाँ ऐप्स। तो ऐसा भी करते हैं ना, भगवान से कहते हैं भगवान ये आँख है उसमें अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता, तो ऐसा कोई ऐप्स है जो डाउनलोड करो, इसके अंदर जरा एक एक्स्ट्रा फिटिंग लगा दो ताकि हम अंधेरे में भी देखना शुरू कर दें। वो क्या है उसके अंदर, हम सूंघते हैं सुंदर सा फूल, जब सूंघते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारी नाक की शक्ति बहुत मर्यादित है। कुत्ते की शक्ति देखो नाक की, वो सभी को गंध से पहचानता है, वो तुम्हारे चेहरे से थोड़ी पहचानता है, तुमने क्या मेकअप किया कुत्ता थोड़ी देखता है, वो तुम्हारे मेकअप से नहीं पहचानता तुम्हें, वो तुम्हें अपनी गंध से पहचानता है। हमने किसी व्यक्ति का चेहरा एक बार देख लिया तो भूल जाएंगे हम, क्योंकि चेहरा बदलता है, सब कुछ होता है ना, 10 साल में तो डबल हो जाते हैं हम भूल जाते हैं, अरे इतना यू हैव पुट ऑन सो मच, नहीं पुट ऑन सबको अच्छा नहीं लगता, ओ यू हैव लॉस्ट सो मच, अब देखो चेहरे कैसे खिल जाते हैं पहचान ही नहीं पाए, ओ यू हैव लॉस्ट सो मच, पहचान नहीं पाए, हम तो कह देंगे नहीं पहचान पाए, लेकिन आपके घर का जो कुत्ता होगा ना, 10 साल के बाद भी कोई आता है तो उसको पहचान लिया उसने केवल गंध से, और वो भी सीधे, कैसे आपने क्या परफ्यूम, 10 साल पहले कोई अलग परफ्यूम लगाया था, अभी कुछ अलग, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो सीधे आपकी बॉडी की स्मेल को पहचान लेता है। करो ना कुछ ऐप्स, ऐप्स डाउनलोड अपने नाक के लिए, वो सारे एनिमल्स में ऐसे कोई ऐप्स डाउनलोड कर लें तो आदमी कैसा बन जाएगा बोलो, ये तो भगवान की कृपा है कि संभव नहीं रखा, नहीं तो सब सब ऐप्स डाउनलोड करो ये सब कितनी सृष्टि रमणीय है, देखो सृष्टि को देखते समय सृष्टिकर्ता की ओर जगह न दृष्टि चली जाए, बस भक्ति हो जाए, पूरी दृष्टि मंगलमय हो जाएगी, ये शिव सिखाते, ये शिव तत्व है ये। शिवाय, फिर कहा गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय, गौरी के वदन और अब्ज, अब्ज का अर्थ है कमल, अप ज, अप का अर्थ है जल, ज जन्मा, जल में जो जन्मता है कमल, तो गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय, पूरा एक शब्द है, गौरी के वदन रूपी कमल को, और वो भी वृंद लिखा है उसके पर थोड़ी चर्चा करेंगे, गौरी के चेहरे रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य के, खिलाने मतलब प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान, सीधी बात है ना कि पत्नी को अगर पति से प्रेम हो तो पति जब घर पे आए ना, पत्नी का चेहरा एकदम खिल उठता है, आ गए, कब 29 तारीख हो, कब फ्लाइट पकड़ूं और कब मिलूं स्मरण मात्र से खिल उठता है चेहरा तो गौरी वदनाब्ज शीतल वदनाब्ज सूर्य भी होता है ना, तो ऐसे शीतल के चेहरे रूपी कमल को खिला देने वाला सूर्य, जो प्रेम हो, अब यहां गौरी शब्द पर भी थोड़ा चिंतन करें, एक बार कैलाश में बैठे थे शिव और पार्वती, शिव जी ने मजाक मजाक में कह दिया, पति पत्नी साथ में बैठते हैं कभी कभी मजाक करते हैं, मजाक मजाक में कह दिया कि प्रिय पार्वती तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है,
होगा ही ना, पर्वत की बेटी हो, हिमालय की पुत्री हो तो हृदय बड़ा कठोर है। पार्वती भी बुद्धिमान थी ना, पार्वती उसने तुरंत कह दिया नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, ये लॉजिक आपका गलत है। पर्वत की बेटी हूं, पर्वत से उत्पन्न हुई इसलिए क्या मैं कठोर हो गई? देखिए पर्वत पे कैसे सुंदर पेड़ पौधे आते हैं, कितने सुंदर फूल आते हैं, कितने सुंदर फल आते हैं, मीठे मीठे होते हैं, तो पर्वत से जो भी उत्पन्न होता है सब कठोर ही होता है ऐसा नहीं है। ये तो बात हो गई। शिव जी ने थोड़ा सा तर्क बदला, काली हो, पति पत्नी में ऐसी बातें होती है ना, काली हो, और जो बाहर से काले होते हैं ना वो भीतर से भी काले ही होते हैं। अब पर्वत वाली बात तो पार्वती ने उत्तर दे दिया, लेकिन ये बात जरा पार्वती को लग गई, दिल से चुभ गई, काली कहा मुझे, निकल गई वहां से, तपस्या करने चली गई काली, कि अब मैं कालापन निकल, ऐसे आवश्यक नहीं है कि बाहर से काले दिखते हो भीतर से भी काले हो, जरूरी नहीं है। जैसे बाहर से गोरे दिखने वाले भीतर से गोरे हो ये भी आवश्यक नहीं। ये पूरी पश्चिम की दुनिया देखो, बाहर से बहुत गोरे हैं लेकिन भीतर से, हमने तो देखा है, साल में 4 महीने वहां बिताने पड़ते हैं तो पता है कि बाहर से गोले कैसे होते हैं, अंदर से गोरे, बाहर से गोरे और अंदर से था ना कि तो भोली सूरत दिल के नाम बड़े और दर्शन, तो ऐसे बाहर से जो गोरे हो भीतर से गोरे हो आवश्यक नहीं है, ऐसे बाहर से जो काले हो भीतर से भी काले ही हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन शिव जी ने समझाया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन एक बार अब ये अल्टीमेटली तो स्त्री है ना, लग गई दिल पे, लग गई खत्म, अब मैं दिखाऊंगी काली नहीं हूं मैं, निकल गई। तो पत्नी के साथ मजाक करने में भी जरा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये भी शिव जी सिखाते क्योंकि जैसा वहां ऊपर होता है ना, ये वहां होता है ऐसा यहां भी होता है। निकल गई तपस्या करने के लिए काली, सीधा प्रहार था ना ये, तो हुआ क्या, मजाक की भावना में आत्मग्लानी का बीज छिड़ गया, तो बस अभी आपको मुझमें दोष ही दिखाई पड़ते हैं ना, अति परिचयाद अवज्ञा, मैं हमेशा आपके साथ में रहती हूँ, साथ में बैठी रहती हूँ, इसलिए फिर यू डोंट केयर फॉर मी, यू हैव टेकन मी फॉर ग्रांटेड, अभी देखो जरा मैं जाती हूँ अकेले, तो थोड़ा दूर भी रहना चाहिए, उससे वैल्यू बढ़ती है कभी कभी, कभी कभी है? बहुत दूर रहोगे तो फिर रिप्लेसमेंट हो जाता है या तो आदत पड़ जाती है, लेकिन वो भी मात्रा आनी चाहिए कि इतना ही दूर और फिर वापस, नहीं तो फिर आदत पड़ जाती है कि चलो। पार्वती तपस्या करने के लिए चली गई, मुझे काली कहा, अब जब तपस्या करने गई वो समय था जब शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य पृथ्वी पर सबको परेशान कर रहे थे, देवताओं को परेशान कर रखा था, देवताओं को स्वर्ग छोड़ के भाग जाना पड़ा था, त्राही त्राही पुकार रहे थे देवता, वो समय था शुंभ और निशुंभ। मैं शिव पुराण और सप्तशती चंडी पाठ ये दोनों का समन्वय करके ये बात बता रहा हूं, पूरी जो कथा है ये, वो समय में अब उन दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर रखी थी और ब्रह्मा जी के पास से वरदान ले रखा था असुरों ने, शुंभ और निशुंभ दोनों ने। असुर शब्द का भी अर्थ असुश्रमंते इति असुरः, प्राण के ही उनको सबसे अधिक। ब्रह्मा जी तब प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो क्या चाहिए, ये दोनों असुरों ने कहा हमारी मृत्यु ही ना हो, ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, इम्पॉसिबल मत मांगो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु तो होगी, हाँ अपवाद रूप में कुछ मांग सकते हो, जैसे हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि कंडीशंस रख दो, राइडर्स रख दो अंदर, वो एस्टेरिक वाला फाइन प्रिंट्स में, वो हो सकता है, बाकी तुम कहो मृत्यु ही ना हो ये संभव नहीं है, मृत्यु होगी लेकिन कंडीशंस अप्लाई, और वो कंडीशंस तुम चाहो रखो, उसको बना दो मुश्किल,
ये एडवर्टाइजिंग वाले करते हैं ना, बड़े अक्षरों में छापते हैं फ्री, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा वो एस्टरिक करते हैं और नीचे कंडीशन सप्लाई। सब लोग फ्री फ्री दौड़ के भागते हैं, क्या फ्री, कुछ नहीं फ्री, क्या है, खैरात करने बैठा है क्या वो फ्री में? तो ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं वरदान दूंगा, लेकिन तुम कहो कि मृत्यु ही ना हो, वो तो संभव नहीं है, एस्टेरिक वाला कुछ मामला बनाओ। तो इन्होंने जैसे हिरण्यकशिपु ने एस्टेरिक बनाया था, जल में या स्थल में, घर के अंदर या बाहर, दिन में या रात को, मनुष्य या प्राणी किसी शस्त्र से मुझे मार ना सके, उसको लगा ये प्रैक्टिकली अब इम्पॉसिबल हो गया। ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं शुंभ और निशुंभ को तुम भी कुछ बनाओ ऐसी कंडीशन। शुंभ और निशुंभ ने बनाई, कोई पुरुष हमें मार ना सके। शुंभ निशुंभ ने उस समय सोचा होगा कि अगर कोई पुरुष हमें ना मार सके तो स्त्री की तो क्या शक्ति है, स्त्री तो यूं भी अबला है नहीं, मानी गई है अबला। हाँ बाकी बाप रे बाप। तो है नहीं, शुंभ और निशुंभ ने ऐसा सोचा होगा कि ये अबला मानी जाती है तो वो क्या करेगी, पुरुष अगर कोई मुझे मार ना सके तो फिर मेरी मृत्यु होगी ही नहीं। शुंभ निशुंभ ने कहा कि हमें कोई पुरुष मार ना सके, और राइटर ने दूसरा कहा कि स्त्री के अलावा कोई हमें मार, मतलब पशु ना, कोई कोई नहीं, स्त्री के अलावा कोई हमें मार ना सके, कंडीशन बस केवल स्त्री हमें मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब देवता लोग हार गए क्योंकि कोई पुरुष उनको मार नहीं सकता, देवता सब पुरुष हैं। शुंभ निशुंभ जीत गए, स्वर्ग का साम्राज्य आ गया, देवता हारे हुए, ढूंढ रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें। आए हिमालय में, हिमालय के जंगलों में भटकने लगे, तब उनको याद आया कि भाई है, देवी ने वरदान दे रखा है, काली है, शक्ति स्वरूपा है। यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृतात्वन्नो हिंसेथा परमापद। चंडीपाठ सप्तशती। तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूव बभूवंतरहिता नृप। जब भी मेरी जरूरत पड़े याद करना, कोई भी तुम्हारा काम हो रुकेगा नहीं, आ जाऊंगी मैं। ये वरदान दे रखा था देवताओं को, तो सारे देवताओं को याद, अरे हाँ चलो चलो हम देवी का स्मरण करें। इति कृत्वा मतिन्देवा हेमवंतम नगेश्वरम जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णु मायां प्रतुष्टुवु। हिमालय में गए, देवी को ढूंढा, स्तुति शुरू की, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सरतन्नम नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मदां या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सप्तशती चंडी पाठ में है ये सब श्लोक। देवी प्रसन्न हुई, कहा क्या हुआ बताओ, क्योंकि ये जब स्तुति कर रहे थे देवता, उसी वक्त मध्यान्ह संध्या के लिए स्नान करने के लिए देवी आई थी नदी के तट पर, पार्वती वहां पहुंची। देवताओं ने कहा हम आप ही की स्तुति कर रहे हैं, क्यों ऐसी समस्या आई है? अच्छा, पार्वती जो काली थी ना, उसने अपने शरीर पर से जो काला कोष था वो निकाल दिया, कोष करता है शेल, बाहर का जो काला कवच था वो निकाल लिया, और वो जो स्वरूपा मूर्ति वो काली कहलाई, और भीतर जो पार्वती थी अब गौरी हो गई। मतलब वो गौरी थी ही, काली निकाल दी शक्ति को, और फिर सब देवताओं ने कोई ब्रह्मणाभ्यर्थिता चैव देवी गिरिवरात्मजा। गिरिवरात्मजा देवी, गिरिवर हिमालय की पुत्री या देवी ने त्वक्कोशम सहसोत्सृज्य गौरी सा समजायत। त्वक्कोश चमड़ी का जो कोश था बाहर का, वो उत्सृज्य उत्सृजन किया, छोड़ दिया
और गौरी सा समझा यत, वो गौरी बन गई। अब जरा इसका तात्विक अर्थ, कोश का अर्थ है म्यान। म्यान बाहर से डार्क रहे लेकिन अंदर की तलवार तो चमकती ही होती है। तो ये गौरी थी ही, काली तो कोश था, बाहर का एक कवर था, एक लेयर था बाहर का। ये क्या है? तात्विक अर्थ अगर समझें तो वो गौरी बनकर के फिर शंकर के पास आई, गौरवर्णा होकर के पार्वती, तब से वो गौरी कहलाई। कर्पूर भगवान शिव जी तो कर्पूर गौरम, भगवान शिव जी तो गोरे हैं ही, तो फिर दोनों। तात्विक अर्थ समझें तो सात्विकता शुभ्र है, सफेद है, हमने सात्विकता को सफेद रंग दिया। लेकिन वह सात्विकता जब तमोवच्छिन्न चैतन्य हो जाता है, सात्विकता के ऊपर जब तमोगुण आ जाता है, तब वो काली एक बाहर का लेयर बन गया। वह आवश्यक है, केवल शुभ्र सात्विकता हमेशा बनी रहेगी तो उस पर आक्रमण हो सकता है, उस पर प्रहार हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि संसार में बहुत सीधे रहोगे तो भी लोग तुम्हारा गैर फायदा उठाएंगे। तो जो बहुत सीधे बहुत सरल ये रहते हैं ना, उनको भी अपने बाहर एक शक्ति का लेयर रखाना पड़ता है कि हम आक्रामक हो सकते हैं, हम प्रहार कर सकते हैं, लेकिन आक्रामक होना, प्रहार करना, यह तमोगुण है। वो काला है, गोरे को भी एक काला रखना पड़ता है, लेकिन वो जब काला आवरण हट जाए, निकल जाए वो शक्ति। और वो काला आवरण किस लिए हटा? दैत्यों को, शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए हटा। अच्छे लोगों के लिए वो तमोगुण का प्रयोग ना करें, लेकिन दुष्ट लोगों के लिए कभी तमोगुण का प्रयोग करना भी पड़ता है। इसलिए काली अगर अशुभ होती तो उसकी पूजा ना होती, लेकिन काली शक्ति भी आसुरी शक्ति को मारने के लिए उसका प्रयोग हुआ, इसलिए वो काली का की भी पूजन हुआ। शक्ति स्वरूपा काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वो काली तामसी वृत्ति का प्रतीक है। गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय। तो शिवजी को देखकर गौरी का वदन, अब गौरी हो गई तो प्रसन्न शिवजी के साथ, और उसका मुख कमल खिल उठता है, ऐसे वो सूर्य के समान है शिव जी। अब केवल गौरी वदनाब्ज सूर्याय होता ना तो बात सही थी, यहां बीच में एक शब्द लिखा है गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय। वृंद कहां से आया? वृंद का अर्थ है समूह, वृंद का अर्थ है ग्रुप, टोड़ू, वृंद। अब गौरी को तो एक बदन है, शिवजी को पांच है, तो उसको बदन आप जब वृंद कह सकते हो, कार्तिकेय को छह है तो उनको बदन आप जब वृंद कह सकते हो, गौरी को तो एक ही वृंद है, आई मीन एक ही कमल है, मुख है, तो वृंद कहां से आया? फिर केवल छंद बिठाने के लिए, केवल दो अक्षर कम पड़ते हैं तो लगा दो वृंद अंदर। ये श्रीमद आदि शंकराचार्य जैसे तत्वज्ञानी नहीं करेंगे। वृंद क्या है? हमें कालिदास के पास चलना पड़ेगा, वृंद का भी अर्थ है। एक बार कवि कुलगुरु कालिदास भोजरा के सभा में अनादर हुआ, उनका सम्मान नहीं हुआ तो चले गए। विद्वानों का यही होता है, जहां सम्मान नहीं होता वहां चले जाते। इफ यू डोंट केयर फॉर मी, आई एम नॉट फॉर यू। विद्वानों को, महापुरुषों को आप कुछ न दे सको चलेगा, उनको सम्मान अवश्य देना, उनको आदर देना। दैट विल मेक देम फील दैट यस यू नीड देम। और एक बार उनको लगेगा कि यू नीड देम तो हमेशा आपके पास रहेंगे। लेकिन आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया,
तो उनको पूरी दुनिया से सम्मान मिलता है, कहीं और चले जाएंगे। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा तो सब जगह पे होती है, ज्ञान तो सभी को चाहिए। निकल गए गुप्त वेश में, उनको पता था कि आज नहीं तो कल भोज याद करेगा, उसको भोज को मेरे बिना चलने वाला है नहीं। गुप्त वेश में रहने लगे अज्ञातवास में। अब उसको ढूंढे कैसे? कालिदास जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना हो तो कोई ऐसी बुद्धिमानी का ही रखना चाहिए। राजा भोज भी स्वयं बुद्धिमान थे, उन्होंने एक पहेली बनाई, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। ये इतना चरण बनाया श्लोक का, आधा श्लोक, और कहा कि जो भी व्यक्ति इसका बाकी का आधा श्लोक लेकर आएगा, इस पहेली का हल लेकर आएगा, उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा बख्शिश में मिलेगी, इनाम में मिलेगी। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, कमल में कमल की उत्पत्ति, कमल में कमल, सुना है कभी देखा नहीं, श्रूयते न तु दृश्यते, ये एक कमल है। तो कमल एक होता है, अभी कमल के अंदर दूसरा कमल, सुना है लेकिन कभी देखा नहीं, क्या है? पंडितों ने बहुत सोचा ये समस्या को हल कैसे करें, क्या होगा इस श्लोक का दूसरा चरण, कैसे लिखा जाएगा, क्या? कोई सफल नहीं हो पाया। एक लड़की थी, उसको पता चला भोज राजा के राज्य में एक लड़की थी, उसको ये कमल ए कमल उत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, इसका आगे क्या होगा? वो जंगल में जाती थी और वहां पर देखा कि मंदिर में कोई एक संत जैसे लगते हैं, बड़े विद्वान हैं, कालिदास थे वो। उसको पता नहीं, ये कन्या को पता नहीं था कि वो कालिदास है। सेवा करती थी, पानी भर देती थी उनका घड़ा, कभी भोजन की जरूरत हो तो कभी दूध लाती, कभी फल ला के रख देती। उसने जाकर उनसे कहा कि ऐसी शर्त लगी है भोज राजा की सभा में, कमल ए कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, इसकी जो पाद पूर्ति कर देगा, दूसरी पंक्ति लिखेगा, उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मिलने वाली है, अगर ये जो मुझे मिल जाए तो कोई। कालिदास ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते हैं। बाले तव मुखाम भोजे कथम इंदी वरद्वयम्। कालिदास संस्कृत का जो सुन, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, बाले तव मुखाम भोजे कथम इंदी वरद्वयम्। ये देख अरे बाला, हे सुंदरी, तेरा जो मुख कमल है उसमें ये दो और कमल है कि नहीं? कौन से? नेत्र कमल। नेत्र को भी हमने कमल कहा, तो मुख कमल के अंदर दो नेत्र कमल, बाले तव मुखाम भोजे कथम इंदी वरद्वयम्, ये दो कितने सुंदर हैं। ओहो, दौड़ी दूसरे दिन जाके सभा में उसने कहा, और अभी तक कोई उसको सफल नहीं। तुरंत कहा है भोज राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा तो दी बख्शीश में, लेकिन कहा नाम तेरा, लेकिन बताइए लिखा किसने? कालिदास के सिवा और कोई हो नहीं सकता है, इनाम बख्शीश तुझे मिल जाएगी निश्चित। किसके पास से लिखवाया? कालिदास को ढूंढ लिए, बड़े सम्मान पूर्वक भोज राजा गया है वहां पर और कहा आपके बिना मेरी सभा अधूरी है, आइए। कालिदास को वापस ले आए। तो ये जैसे हुआ ना, एक कमल के अंदर, एक मुख के अंदर दो कमल हैं, तो 1, 2, 3 बहु हो गए, वृंद हो गया, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, वृंद बहुवचन है। तो ऐसे पार्वती जी का भी, एक गौरी वदन आप ज, और जब शिव जी को देखती है तो केवल चेहरा तो स्माइली की तरह नहीं, आंखें भी फिर चमक जाती हैं, तो वो कमल भी खिल उठते हैं। इसलिए गौरी वदनाब जब वृंद सूर्याय शिवाय, गौरी वदनाब जब वृंद शिवा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, दक्ष के अध्वर को, दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले। कथा आपने भागवत में सुनी है, दक्ष ने दो यज्ञ किए और दोनों यज्ञ अधूरे रहे। एक यज्ञ
उसने वाजपेयी यज्ञ किया, पहली बार जब किया वाजपेयी यज्ञ किया। उस यज्ञ में घटना यह हुई कि सारे लोग आकर बैठे थे, शिवजी भी बैठे थे वहां पर, और दक्ष जानबूझकर देरी से आए। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, दो दो घंटा तीन तीन घंटा देरी से जाते हैं जानबूझकर। शहर में जीते हो, ट्रैफिक की समस्या के कारण 15 मिनट आधा घंटा जरा इधर उधर, तो लोग समझते हैं कि भाई चलो ये पॉसिबल है, अनप्रिडिक्टेबल डिले। दो दो घंटा तीन तीन घंटा, और वो भी जानबूझकर। 5 बजे किसी स्थान पर पहुंचना हो तो 5:15 बजे घर से निकलेंगे, ऐसे लोग होते हैं। क्यों? फिर वहां सब लोग प्रतीक्षा करते हो, अपने पीपल आर वेटिंग फॉर अस, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और फिर हमारी एंट्री हो जाए तो वाह क्या प्रभाव। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लोग बेचारे बोर हो जाते हैं। समय पर पहुंचना चाहिए, लेकिन दक्ष की संपत्ति इतने, उसका अभिमान था, देरी से गए, लेकिन संपत्ति थी तो सब लोगों ने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया। शिवजी समाधि में बैठे, मैंने कहा ना शिवजी दो ही काम करते हैं, समाधि में आंखें बंद थी, अब उनको तो पता भी नहीं कौन आया है कैसे। सब लोग खड़े हुए, शिवजी खड़े नहीं हुए, इसलिए दक्ष को आक्रोश आया। मनुष्य का स्वभाव भी कैसा है ना, जो मिला है उसके प्रति ध्यान नहीं है, जो नहीं मिला है वो समस्या नहीं। तो ये देखा कैसे सब लोग खड़े होकर के मेरा सम्मान कर रहे हैं। घूमती हुई नजर एक स्थान पर गई, वहां बैठे थे शिव जी, ओ ये मेरा दामाद ही बैठा, क्योंकि दक्ष की पुत्री सती का ब्याह शिव जी से हुआ था। सब खड़े होकर के सम्मान कर रहे, मेरा दामाद ही बैठा हुआ है। दक्ष को क्रोध आया, शिव जी का अपमान किया। अब शिव जी तो समाधि में, उनको तो पता नहीं है, लेकिन नंदी को यह सहन नहीं हुआ, शिव जी का जो सेवक है। नंदी ने दक्ष को शाप दे दिया कि तुम अजमुख हो जाओगे, अज मतलब बकरा, तुम्हारा चेहरा बकरे का हो जाएगा। दुरा, क्योंकि शिव जी फिर खिन्न होकर चले गए। ये वाजपेयी यज्ञ के बाद, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं ये पूरी कथा, क्योंकि भागवत की कथा आपने सुनी होगी, उसमें सब आता ही है। वाजपेयी यज्ञ के बाद दक्ष ने एक दूसरा यज्ञ किया, बृहस्पति सव यज्ञ। उसमें सभी को निमंत्रण दिया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया उसने, जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि दक्ष के पास संपत्ति तो थी ही, ब्रह्मा जी ने उसका पट्टाभिषेक किया, दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो पट्टाभिषेक मतलब सत्ता दी, अपने पास सत्ता आई है, उसकी खुशहाली मनाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सव यज्ञ। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा। शिवजी को निमंत्रण न भेजा उतना ही नहीं, नहीं सही नहीं, दूसरे देवताओं को जिन निमंत्रण भेजा पत्रिका में खास PS करके, स्पेशल नोट करके छापा कि आप जब मेरे यज्ञ में उपस्थित रहने के लिए आओ तो आपके विमान कैलाश पर से लेकर आना, ताकि शिव को पता चले कि सबको बुलाया गया है, मुझे नहीं बुलाया गया। क्या आदमियों के स्वभाव होते हैं, मेरे सुख में तुझे सहभागी नहीं बना रहा हूं और वो तुझे पता चलना चाहिए। अब शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, सामने सती बैठी है, शिव जी सती को कथा सुना रहे हैं, राम कथा, और ऊपर से सब विमान जाने लगे। शिव जी का ध्यान कथा में से विमान में गया, ये विमान सब कहां जा रहे हैं। अभी देखना, त्रेता युग की बात है, कैलाश जैसा पवित्र स्थान है, शिवजी जैसे वक्ता हैं, और श्रोता में एक केवल सती सामने बैठी हैं, फिर भी कथा श्रवण करते करते सती का मन कथा में से निकलकर विमान में गया, तो आज के इस कलयुग में कथा श्रवण करते करते आपका मन जाए कि पौना बज गया,
कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, तो मुझे बहुत दुखी होने की आवश्यकता, वो भी आप बताओ, नहीं है। ये बीमारी बहुत पुरानी है भाई। सती ने जरा जांच करवाई तो पता चला कि अपने पिता के वहां ही ये कार्यक्रम है, इतना बड़ा यज्ञ समारोह, और हमें निमंत्रण नहीं है। बेटी है, पिता का स्वभाव जानती थी, आगे की जो घटना हो गई वो भी उसको पता था। नंदी ने बताया होगा, शिव जी तो बताएंगे नहीं सब बातें, नंदी ने बताया था। सती ने शिव जी से कहा कि मैं जाना चाहती हूं अपने पिता के वहां। शिव जी ने कहा निमंत्रण नहीं है, नहीं फिर भी मैं जाना चाहती हूं, आप मत आओ, आप दामाद हो, दामाद को निमंत्रण चाहिए, पुत्री को निमंत्रण थोड़ी ही चाहिए पिता के घर जाने के लिए। मैं तो पुत्री हूं वहां की, मैं जा सकती हूं बिना निमंत्रण के। आपके मैं आग्रह नहीं करती आपको कि आप चलिए, क्योंकि आप जमाई हैं, दामाद हैं, आप बने रहिए, मुझे जाने दीजिए। शिव जी ने कहा बिना निमंत्रण से जाओगी तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारे पिता अभिमानी है। अपमान अपमान क्या होगा, तुम्हें क्या पता पिता का प्रेम क्या होता है, मायके जाने का अनुभव क्या होता है, वो तुम्हें क्या पता। न तुम्हारे कोई पिता है, न तुम्हारी कोई माता है, न तुम्हारा कोई। शिव जी ने लाख समझाया, सती एक न मानी, निकल गई। आक्रोश में आकर के सती निकल गई और वहां जाकर दक्ष ने भी अपमान किया। ये भी पूरी कथा भागवत में, दक्ष ने अपमान। फिर तो सती ने आत्मविलोपन किया, देवता लोगों ने किया, वीर नारद जी ने जाकर के शिव जी को बताया कि वहां पर सती ने आत्मविलोपन किया, तो शिव जी ने वीरभद्र उत्पन्न किए, और वीरभद्र ने जाकर दक्षाध्वरनाशकाय, दक्ष के यज्ञ का नाश कर दिया। ये कथा में याद रखना, शिव जी यज्ञ का नाश नहीं करते, शिव तत्व तो कल्याणकारी है, यज्ञ का नाश क्यों हुआ, शिव के प्रति द्वेष के कारण हुआ। यानी तो इसका अर्थ कोई सरल संस्कृत में क्या करेगा, ऐसे शिव जी जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का नाश कर दिया, क्या शिव जी यार यज्ञ का नाश करने बैठे हैं, नहीं, दक्ष के गुण, दक्ष की वृत्ति ऐसी, दक्ष के अवगुण ऐसे थे जिससे वो यज्ञ का नाश हुआ। एक बार जरा सोचना, दक्ष क्या था? दक्ष था बड़ा चतुर, दक्ष शब्द का ही अर्थ है चतुर, चालाक, होशियार, क्लेवर, लेकिन वो निरीश्वरवादी था, कर्मकांडी था। कर्मकांड मतलब उसको ये लगता था कि इतना करेंगे तो ये फल मिलना चाहिए, ये करते हैं तो ये फल मिलना चाहिए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं, वे अच्छे होते हैं, दक्ष होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन परमात्मा में नहीं मानते, प्रभु में नहीं मानते। वो कहते हैं हम काम करते हैं ना, 8-8, 10-10 घंटा मेहनत करते हैं, बुद्धि चलाते हैं, तो हमें परिणाम मिलना चाहिए। याद रखना, पुरुषार्थ आवश्यक है, बुद्धि चलाना आवश्यक है, लेकिन केवल मेहनत की, केवल बुद्धि चलाई, इससे फल मिल जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। फल मिलने में एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आवश्यक है, और वो है भगवत कृपा। वो दक्ष नहीं मानता था। दक्ष ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या समझता था, है आदरणीय व्यक्ति, दे आर गुड पीपल, बस इतना ही। देखिए समाज में कई लोग होते हैं ना, भगवान क्या है, या वी बिलीव दैट मस्ट बी सम एनर्जी, सम सुप्रीम सोर्स, सम एनर्जी पूजा करना, नहीं आई वी डोंट गो टू टेम्पल्स, वी डोंट बिलीव इन दैट, नो। हाँ कुछ होगा ऐसा, कुछ ऐसा पावर होना चाहिए, ओके फाइन, उनको पावर होगा। मिलते होंगे आपको ऐसे लोग सैंपल्स, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। तो दक्ष ऐसा था। ब्रह्मा जी तो कहते हैं वो तो मेरे पिताजी हैं, दुनिया पूरी ब्रह्मा जी को सर्जक के रूप में पूजा करते, वो कहते मेरा पिताजी है, घर के वालों को ही नहीं पड़ रही होती ना, वो हैं पिताजी हैं। विष्णु चाचा है, हैं। शिव जी
अरे वो तो दामाद है, मेरी बेटी ब्याही है उनसे, वो मेरे बेटे के समान है, दामाद को तो ऐसा समझते हैं ना, दामाद है, बेटे के समान है। अब जब ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसे देवताओं को नहीं मानेगा तो दूसरों को क्या मानेगा, वो ईश्वरवादी था। ब्रह्मा जी पिता हैं, विष्णु पितामह हैं, दादाजी हैं, और शिव जी मेरे दामाद। ऐसा ये दक्ष, देखिए यज्ञ का फल कौन देता है, कोई भी सत्कर्म रूपी यज्ञ है, क्या कौन फल देता है? यज्ञ स्वयं फल नहीं देता। मीमांसकों ने यही चर्चा की है, समय के अभाव में उसके में जाता नहीं हूं। यज्ञ स्वयं फल नहीं देता, एक दूसरी शक्ति है, एक दूसरी सत्ता है जो फल देती, क्योंकि यज्ञ तो पूरा कर दिया, फल बाद में आता है। यज्ञ नाम की जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के पास कोई ताकत नहीं कि आपको फल दे। लौकिक उदाहरण, सांसारिक दृष्टांत, आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वो जॉब जो करते हैं उसकी कोई ताकत है आपको सैलरी दे? नहीं। जॉब करने से सैलरी मिलती है, पगार मिलता है, लेकिन जॉब आपको पगार देती है नहीं? पगार कौन देता है? सेठ देता है, बॉस देता है। यह संभव है कि महीने महीने भर दो दो साल तक आप जॉब करो, आपने कभी सेठ का चेहरा ही ना देखा? बहुत बड़े कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मल्टीनेशनल कंपनी, तो आवश्यक नहीं कि सब लोग बॉस को पहचाने, सब लोग सेठ को पहचाने, आवश्यक नहीं है। लेकिन जो पगार देता है वो सेठ देता है। छोटे से छोटा आदमी, मुझे सेठ से क्या लेने देना, हाँ मैं तो मेरी जॉब करता हूं ना, सेठ को जाए कुछ भी करे, तो तेरी पगार बंद हो जाएगा भाई। ठीक इसी तरह तुम कहो कि मैं केवल यज्ञ करता हूं, मैं केवल सत्कर्म करता हूं, मैं केवल करता हूं, मुझे भगवान से कुछ लेना देना, वैसे सत्ता क्या है, मैं तो कर्म करता हूं, बीज बोए तो पौधा निकलना चाहिए। लॉजिकली शायद ये बात ठीक लगे कि भाई बीज बो, पानी डालो, खाद डालो तो पौधा निकल जाना चाहिए, फल आना चाहिए। लेकिन संसार में यह नहीं होता, केवल बीज डालने से नहीं होता, केवल कर्म करने से फल नहीं आता, कर्म के साथ भगवत कृपा हो तो फल आता है। दक्ष जैसा चतुर आदमी यह बात को भूल गया था, इसलिए इसने शिव तत्व की महिमा न की, सम्मान नहीं किया। परिणाम, यज्ञ तो किया लेकिन फल नहीं मिला। दक्षाध्वरनाशकाय, फल ईश्वर कृपाधीन है, ये तो शिव जी कभी फल ना दे। पुष्पदंत जी शिव महिमन स्तोत्र में बड़ा सुंदर कहते, शिव जी को दो व्यसन हैं। कौन से दो व्यसन हैं? क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपति रधीशस्तनुभृतां ऋषीणां मार्तिज्यं शरण दसदस्यासुरगणा क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल विधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरम विचाराय हिमखा। क्रिया दक्षो दक्ष, दक्ष क्रिया दक्ष था, सब क्रिया करने में परफेक्ट था वो, और क्रतुपति रधीश, वो ऐसा क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपति, यज्ञ का मुख्य यजमान कौन था? दक्ष, जो क्रिया में दक्ष था, चतुर था, परफेक्शनिस्ट था वो। ऋषीणाम मार्तविज्यम, ऋत्विक कौन थे? कोई छोटा मोटा ब्राह्मण हो, कभी कोई गलती कर दे उच्चार में या ऐसे कर्म में गलती कर दे तो यज्ञ का फल ना मिले, संभव है, लेकिन यहां तो स्वयं ऋषि ऋत्विज बन के आए थे, मंत्रों के दृष्टा ऐसे ऋषि यज्ञ कराने बैठे थे, ज्ञानी थे।
स्वयं देवता लोग आहुति लेने आते थे। जब यज्ञ में बोलो हम इंद्र इदम इंद्राय स्वाहा, तो हम तो अग्नि को देते हैं और अग्नि नारायण वो इंद्र को जाके पहुंचाते हैं। इस यज्ञ में अगर वो कहा जाए कि ये इंद्राय स्वाहा इंद्र को देते हैं, तो खुद इंद्र वो आहुति लेने के लिए आता था। ओम वरुणाय स्वाहा कहे तो स्वयं वरुण देव आते थे आहुति लेने के लिए। ऐसा यज्ञ, इससे बढ़कर कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी श्रद्धा नहीं थी, कृपावलंबन नहीं था, इसलिए वो यज्ञ फल नहीं मिला। और किसने नहीं दिया? क्रतु फल विधान व्यवसिनो, भगवान शिव के लिए कहा। कौन है? क्रतु फल विधान, क्रतु मतलब यज्ञ, फल विधान देने वाले व्यवसिनो। शिवजी का एक व्यसन है, कोई भी सत्कर्म करे ना तो तुरंत उसको फल देते हैं, यह शिवजी का व्यसन है महिमा में। और दूसरा व्यसन क्या कहा? भुवन भय भंग व्यसनिन, ये दूसरा उनका व्यसन है। भुवन भय, भुवन मतलब सृष्टि, उसका जो भय है उसको भंग करना, यही शिवजी का व्यसन है। किसी को भी अगर संसार का भय लगता होगा तो वो भय को दूर करना, ये शिवजी का व्यसन है। जैसे व्यसनी आदमी को, जिसको चाय का व्यसन, वो चाय नहीं पिएगी तब तक चलेगा नहीं उसको, ऐसे शिवजी जब तक किसी के भुवन का, भुवन भय का, संसार के भय का भंग नहीं करते दिन में दो चार लोगों का, तब तक शिवजी को कांटो न चढ़े। हम शिवजी तो ढूंढते हैं कि किसको जाकर के मैं ये संसार का भय दूर कर दूं, कोई आता है छोटा सा? और ऐसे लोग होते हैं बहुत कम। शिवजी को लगता है कोई यज्ञ कर रहा है, कोई सत्कर्म कर रहा है, जाकर मैं उसको फल दे दूं, ये उनका व्यसन है। अब देखो संस्कृत शब्द क्या है, भुवन भय भंग व्यसनिनो, भुवन के भय को भंग करना, ये शिवजी का व्यसन है। अब जिनको संस्कृत नहीं आती और गलत काम जस्टिफाई करना है, उन्होंने भंग को हिंदी में वो कहते भंग व्यसनी न शिवरात्रि में लगाओ। अब कहां ये भंग और कहां वो बांग, इन लोग को कहते देखो लिखा है ना पुष्पदंत ने, शिव महिम ने लिखा है भंग व्यसनी न, भंग के व्यसनी है शिव जी। कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, क्योंकि न इसको संस्कृत आती है, न बोलने वाले को आती है, न सुनने वाले को आती है, और कौन शिव महिम न स्तोत्र लेकर बैठा कि भी क्या है कैसा है। शिवजी भंग के आदि नहीं है, ध्यान रखना, भांग की आदत ही है। जिनको खुद पीनी हो पीना के गटर में पड़े, शिवजी का नाम बीच में मत डालो मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूं ये शिवजी को भंग की आदत है मत करना, वो व्यसनी है। भुवन भय भंग व्यसनी न, ये व्यसनी। दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय, एक एक शब्द इतना मधुर। समुद्र मंथन के दौरान सब जानते हैं विष उत्पन्न हुआ, बाकी सारे रत्न लेने के लिए तो सब लोग दौड़े, लेकिन विष को लेने के लिए कोई नहीं दौड़ा। वो विष शिवजी ने कंठ में धारण किया है, नीलकंठ कहला। ये भी भागवत में कथा आती है। श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, जिनकी ध्वजा के ऊपर वृष है, धर्म का प्रतीक है वृष। वृष मतलब बैल, लेकिन वो धर्म का प्रतीक है, जिसकी ध्वजा में वो बैल मतलब धर्म का धर्म ध्वजा है जिसकी, ऐसे तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। चौथा और पांचवा श्लोक पाठ करें और अर्थ समझा दूं। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय।
वशिष्ठ कुंभोद भव गौतम आर्य, वशिष्ठ ऋषि कुंभोद भव, कुंभ में से जिनका उद्भव हुआ, अगस्त्य ऋषि कुंभ में से उनका उद्भव हुआ है, गौतम गौतम ऋषि, ऐसे श्रेष्ठ आर्य मुनिन्द्र, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ है सम्माननीय, आर्य का अर्थ है कल्चर्ड, ये भी ध्यान रखना। लोग आर्य का शब्द क्या करते हैं, खास करके हमें जो ब्रिटिशों ने इतिहास पढ़ाया ना इंग्लिश में, आर्य वॉज अ क्लैन, एक जाति थी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर से हिंदुस्तान में, भारत में, आर्यावर्त में आई और क्या किया कि यहाँ के लोकल जो द्रविड़ लोग थे उनको मार के भगाया। और ये आर्य लोग क्या थे, इट वॉज अ नॉमेडिक ट्राइब, घूमते रहते थे, निरंतर स्थलांतर करने वाले लोग, जैसे कच्छ में मालधारी और ये सब होते हैं ना, यहाँ खेत आया पशुओं को लेकर के 15 दिन महीना भर रहे फिर घूमे आ गए, ये मालधारी बोले घूमती हुई जाती है नॉमेडिक ट्राइब्स, उनका अपना कोई घर नहीं होता, उनका अपना कोई गांव नहीं होता। तो आर्य भी ऐसे थे, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर से आए, यहाँ रहने वाले लोगों को इस भूखंड में जो थे उनको धकल दिया दक्षिण की ओर और फिर पूरा कब्जा इन्होंने जमा लिया। हमने ऐसा ही सोचा था, हमने सीखा, गुरहटा परीक्षा में लिख दिया और ऐसा ही मानते रहे। आर्य क्या था, नॉमेडिक ट्राइब, घूमती हुई जाति, ऐसे लोग, ये गलत है। संस्कृत भाषा में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ होता है सम्माननीय, आर्य का अर्थ होता है कल्चर्ड। देखिए महाभारत के सीरियल में, उसमें आपने देखा होगा पुराने समय में पत्नियां अपने पति को आर्य पुत्र कह के पुकारती थी, नाम नहीं लेती थी, आर्य पुत्र मतलब जो श्रेष्ठ के पुत्र हो, सम्माननीय के पुत्र हो आप, ऐसा ऐसा सम्मान से बुलाते। आर्य का अर्थ अगर घूमती हुई जाति होती तो कोई पत्नी अपने पति को ऐसे हे घूमती हुई जाति के पुत्र, सन ऑफ अ नॉमेडिक ट्राइब, ऐसे बुलाएगी वो, रखड़ती जाति ना दिकरा। आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य मतलब सम्माननीय। तो ऐसे आर्य मुनीन्द्र, मुनियों के भी राजा श्रेष्ठ देवार्चित, उनके द्वारा जिनकी अर्चना होती है, क्या शेखराय, जिनके मस्तक की पूजा होती है, शेखर का अर्थ मस्तक। ऐसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि जिनके मस्तक की, मस्तक प्रतीक है ज्ञान का, उनके ज्ञान की, क्योंकि मुनीन्द्र है तो ज्ञान की आराधना करेंगे, ज्ञान की पूजा करेंगे, उत्तमांग। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, चंद्र अर्क और वैश्वानर, चंद्र का अर्थ है चंद्र, अर्क का अर्थ है सूर्य और वैश्वानर का अर्थ है अग्नि। सूर्य चंद्र और अग्नि जिसके तीन लोचन है, भगवान शिव जी के तीन नेत्र कौन से, सूर्य चंद्र और अग्नि, प्रकाश के ऊर्जा के ये तीन स्रोत हैं और तीनों शिव जी के तीन नेत्र हैं। ऐसे तस्मै वकाराय नमः शिवाय, कितना आसान था, आप लोग बेकार में इतने इतने खींचते हैं श्लोकों को, समझ में आ गया कि नहीं अर्थ। यक्षस्वरूपाय, यक्षस्वरूप है जो यक्ष रूप धारण किया है अर्जुन के साथ युद्ध करते समय, उन्होंने यक्ष स्वरूप धारण किया था, अलग अलग रूप लिए और फिर उसको वरदान दिया। यक्ष स्वरूप है, जटाधराय इसने जटा धारण की है, पिनाक हस्ताय हाथ में धनुष है, पिनाक पाणी शिवजी का एक नाम है, वो पिनाक पाणी मतलब हाथ और पिनाक। सनातनाय जो सनातन है, दिव्याय देवाय दिगंबराय जो दिव्य है, देव मतलब जिसकी द्यू पर से देव शब्द आता है, तेजस्वी है, ज्ञानी है, पूजनीय है, और दिगंबराय शब्द का अर्थ हम देख चुके हैं कल, दिगंबर। ऐसे तस्मै यकाराय नमः शिवाय, ओ यस स्वरूप जो शिवजी हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। 30 सेकंड में श्लोक हो जाता है, 2-2 घंटे चलाते हो। आइए फलश्रुति पढ़ो। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ,
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये जो पंचाक्षर का पुण्य है, ऐसा पवित्र जो स्तोत्र है, यह पठेत शिव सन्निधौ, शिव जी के सन्मुख जो इसका पाठ करता है, शिवलोकमवाप्नोति, वह शिवलोक को पाता है, शिवेन सह मोदते, और वहां शिव जी के साथ वो आनंद करता है। सत्कर्म परिवार के द्वारा शिविरों की परंपरा में एक अगला मन का शिव पंचाक्षर स्तोत्र, समय की मर्यादा में रहकर हमने उसका दर्शन किया है। सत्संग तो चलता ही रहेगा, आगे आगे जिन जिन लोगों ने इस यज्ञ के लिए तन मन धन समय अपनी शक्ति का योगदान किया है, भगवान शिव जी की कृपा उन पर बरसती रहे। मैं किसी का नाम लेकर उनका पुण्य कम करना नहीं चाहता, और छोटा सा सम्मान समारोह शुरुआत में ही हो गया है। आप सभी के हृदय में बैठे शिव तत्व को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को शिवार्पण करूं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। आइए एक बार, पांच तो श्लोक हैं, साथ में मिलकर, अब जब अर्थ समझ में आया है तो साथ में मिलकर इस स्तोत्र का पारायण करें और इस शिविर को हम अल्प विराम प्रदान करें। गेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदनचर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुंभोद्भवगौतमार्य मुनींद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। यहां पर तो कैलाश के चित्र के पास बैठकर शिव जी की आराधना की, वांग्मय पुष्प से, वाणी के पुष्प से। जून महीने में साक्षात कैलाश के चरणों में बैठकर
मानसरोवर के तट पर शिव जी की आराधना करने का संकल्प है महारुद्र के द्वारा। पहली बार कोई 10-12 वर्ष पहले गए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, 2000 में शायद। दूसरी बार 2007 में गए थे, उस वक्त जो साथ में थे उनमें से उमेश भाई और सुषमा बेन यहाँ पर हैं। 2007 में दूसरा कोई नहीं था। बड़ा आनंद आया उस समय भी। उस समय पहली बार मैंने शिव पंचाक्षर स्तोत्र सत्संग के लिए लिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। फिर 2010 में गए, जुलाई में। संकल्प ऐसा था कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव वहां मनाए। पिछले 20 वर्षों से ऐसा होता रहा कि जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने प्रदेश में ही रहता हूँ, यूरोप अमेरिका न्यूजीलैंड सब पूरी दुनिया में, अफ्रीका मिडिल ईस्ट। यहाँ के भक्तों की बहुत इच्छा थी कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा का तो हमें लाभ दें, फोन पे आशीर्वाद लेते हैं संतोष नहीं होता। तो इस बार ऐसा सोचा कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव कैलाश में मानसरोवर के तट पर। उस समय जो साथ में थे उनमें से कई लोग यहाँ पर हमारे, अमित भाई हैं, भूपेंद्र भाई पंचाल आ गए हैं, अवंती है। अवंती ने तो चल के परिक्रमा की है, ये प्रवचन पूरा होने के बाद अवंती को स्पर्श कर देना जाकर उसको। 50 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 5 लोग केवल ऐसे थे जिन्होंने चल के परिक्रमा की, उसमें से एक अवंती है। उसने तो पूरा परिवार उसका, अवंती, उसकी छोटी बहन, उसके माता पिता, दोनों ने, सब ने, चारों ने चल कर परिक्रमा। और कोई था? हाँ, हमारी उषा बहन, योगिनी बहन, हाँ योगिनी बहन, जरा हाथ ऊपर करो। तो ये सब लोग, हमारी उषा बहन इस वक्त साथ में थे 2010 में। मानसरोवर के तट पर और कैलाश की परिक्रमा करते समय एक विचार मन में आता रहा, संकल्प मानसरोवर के तट पर हुआ और कैलाश की परिक्रमा के दौरान आता रहा, मानो शिव जी ही कह रहे हूं कि वहां पर कथाएं बहुत हुई, प्रवचन बहुत हुए, अन्य संतों ने भी किए, हमने भी किए वहां पर, लेकिन अभी तक वहां पर महारुद्र याग नहीं हुआ। और जिस स्केल पे हम करने जा रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत भव्य रूप से, बहुत दिव्य रूप से, शिव जी के सान्निध्य में बैठकर शिव जी को महारुद्र याग से प्रसन्न करना, ऐसा बहुत सुंदर आयोजन जून में होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप में से अधिक लोग इसका लाभ लें। सत्कर्म परिवार की ओर से मैं आपको निमंत्रण दूं, हम सब एक परिवार के ही हैं, वी आर अ फैमिली। तो आप सभी को वहां पर निमंत्रण है। अधिक जानकारी, विशेष जानकारी, 21 जून को 2 ग्रुप हैं, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है दुनिया भर से। कलकत्ते से एक बड़ा ग्रुप आ रहा है, चेन्नई से एक बड़ा ग्रुप आ रहा है, अहमदाबाद से बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया। अहमदाबाद में जो कथा हुई अभी और वहाँ पर अनाउंसमेंट की, तो इतना बड़ा, शायद 100 फॉर्म तो वहाँ से भर चुके हैं, लोगों ने इंटरेस्ट बताया, 100 से अधिक फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आए। इतना मैं अवश्य कहूँगा, चयन होगा, यू विल बी सिलेक्टेड। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू कम, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू विल कम। अभी ये जो निमंत्रण है ना, इट इज़, जैसे कहते हैं ना, वीजा की एप्लीकेशन करो, फिर वीजा देना कि नहीं वो हम देखेंगे। ऐसे ये निमंत्रण ऐसा है कि आप इंटरेस्ट जगाओ पहले, आप कहो कि हमें आना है, फिर कितनों को ले जाना, कैसे ले जाना, इट विल बी अ सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि संख्या की मर्यादा होती है। यात्रा कठिन है, मैं कह दूं, डोंट एक्सपेक्ट कि यहां पर जैसी सुविधा मिल रही है ऐसी सुविधा आपको वहां मिलेगी, नहीं। एक कमरे में 8 लोग, 10 लोग रहते हैं, क्योंकि, और वो भी वहां पर लग्जरी है, क्योंकि 10 साल पहले हम गए तब टेंट में रहे थे, कमरा भी नहीं था रहने के लिए। यात्रा के रूप में आना, एक चैलेंज के रूप में आना। यात्रा के रूप में अगर आओगे
तो आनंद देने की जिम्मेदारी हमारा आशुतोष लेकर बैठा है कि तुम्हें आनंद हम देंगे। आप सभी का वहां पर स्वागत है। एक दो ग्रुप जाएंगे, एक 21 जून से 6 जुलाई और दूसरा 26। ये तारीख 21 जून काठमांडू टू काठमांडू बात कर रहा हूँ, उसमें एक दो दिन और जोड़ लेना आप वापस आपके अगले डेस्टिनेशन के लिए। 21 जून को काठमांडू से शुरू होंगे, पहुंचना है 21 जून को काठमांडू में, जो निकलेंगे 22 जून को, और दूसरा ग्रुप 26 जून को काठमांडू पहुंचेगा और 11 जुलाई को काठमांडू लौट कर आएगा। मतलब काठमांडू से निकल जाएंगे आप, इंडिया के लिए भी आ सकते हैं वापस। 11 जुलाई की रात तक इंडिया पहुंच जाएंगे, बम्बई दिल्ली अहमदाबाद जहां पर भी आप हो। तो ये उसमें कैलाश मानसरोवर, इफ यू आर फिजिकली फिट एंड इफ वेदर परमिट्स कैलाश की परिक्रमा, लेकिन मानसरोवर के तट पर महारुद्र याग ये सब आप अवश्य कर सकेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, 5 दिन का महारुद्र याग है दोनों ग्रुप को, मतलब दो बार महारुद्र याग वहां पर होगा, दोनों ग्रुप को ये लाभ मिलेगा। एक ग्रुप के साथ मैं जाऊंगा, 21 जून वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप के साथ मैं काठमांडू से कैलाश जाऊंगा, फिर मैं वहां रुक जाऊंगा। 6 जुलाई को पहला ग्रुप वापस आ जाएगा, मैं वहां रहूंगा, ब्राह्मण हमारे वहां रहेंगे, विद्वान ब्राह्मण जो साथ में चलेंगे जो महारुद्र याग के लिए, और दूसरा ग्रुप आएगा वो भी महारुद्र याग करके परिक्रमा करके फिर दूसरे ग्रुप के साथ 11 जुलाई को मैं काठमांडू, मतलब दोनों को लाभ मिलेगा मेरे साथ में यात्रा करने का। एक ग्रुप काठमांडू से कैलाश तक और दूसरा ग्रुप कैलाश से काठमांडू तक। तो ऐसी ये योजना बनाई है। विशेष जानकारी के लिए आप अमित भाई से पूछें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, जा चुके हैं, इसलिए बताएंगे क्या होता है कैसे होता है। हमारी अर्चना आने वाली थी, यहाँ पर शिविर में सहभागी होने वाली थी, लेकिन वो आने निकली और गिर गई, वो जल्दबाजी में आने में तो थोड़ा हेयरलाइन फ्रैक्चर हो उसको हो गया है, इसलिए वो आ नहीं पाई। तो शी वुड हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स बिकॉज शी इज़ द वन हु ऑर्गेनाइजेस ऑल दिस, लेकिन अर्चना की अनुपस्थिति में आप अमित भाई को पूछ सकते हो कैसा होता है, क्या होता है वो भोजन करते समय। आप जितने लोग अनुभवी हैं हमारे, उमेश भाई, सुषमा बहन, भूपेंद्र भाई पंचाल, अवंती को पूछो चल के यात्रा करनी हो तो क्या करना पड़ता है, योगिनी बहन को पूछो, हमारी उषा बहन को पूछो, वो सब आपको बताएंगे कि वो क्या होता है। रमेश भाई भी गए हैं लेकिन मेरे साथ में नहीं आए रमेश, अनुभव तो उनको भी है, रमेश भाई भी कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। बस अब अमित भाई कुछ कहें। जनवरी में 29, 28, 29, 30, जैसे सत्कर्मा परिवार बम्बई का यहाँ पर आयोजन करता है, हमारी भावना बहन, ये आलोक भाई, हमारी बहन, सब साथ में मिल कर के, रेखा बहन भी जुड़ गई हैं अभी आयोजन में बहुत भी, वो भी विजय कौन से छाया बहन, अब जो नाम लिदा छत बताना बोलवा दो, कोई नाई ना जाए, शुरू किया तो कश्यप भाई, हाँ और कोई है, भावना बहन तो बोल दिया मैंने, अमित भाई आए गए, अमित भाई, आलोक भाई, मधु बहन सब आ गए, ठीक नहीं आए होगे वो भी मेरे हैं। तो सब यहाँ ऐसे ही हमारे सत्कर्मा परिवार गुजरात का जो चैप्टर है, ग्रुप है वहाँ का, गुजरात में साल में एक बार दो बार ऐसे शिविर करते हैं। इस बार वहाँ पर विषय लिया है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत की कथा में रास पंचाध्याय का वर्णन करते समय गोपी गीत को मुश्किल से 10 मिनट समय दे सकते हैं, इतना भावपूर्ण गीत है। तो सोचा कि 3 दिन तक केवल गोपी गीत के ही श्लोकों का चिंतन करें, गोपी भाव में मग्न रहें। आबू में, माउंट आबू बड़ा अच्छा रिसोर्ट वहाँ पर भी है, अरण्य रिसोर्ट, उनके भी जो जैसे यहाँ पर आपने देखा हॉस्पिटैलिटी, लोगों के जो मैनेजमेंट है, स्टाफ है, मालिक पता नहीं इस बार नहीं है नहीं तो हर बार वो भी खुद आते हैं यहाँ पर, बहुत स्नेह रखते हैं। ऐसे वो अरण्य विलेज के भी जो आग्रह रखते हैं, गुरुजी शिविर जब भी करो गुजरात में, यहीं हमारे वहीं करना, कोई दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं वो भी, तो उनको पता चल जाए कि दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं तो वो सामने से फ़ोन करते हैं, क्या दूसरे क्यों जाते हैं, यहीं पर आ जाओ, हमारी जगह क्या बुरी है। तो इतना प्रेम, इतना, और अच्छी तरह से वो जगह भी बहुत अच्छी है, अरण्य विलेज माउंट आबू, आने जाने की व्यवस्था वो सब यहाँ पर हमारे उमेश भाई हैं, अमित भाई हैं, उनसे पूछिएगा, पराग भाई है उनसे भी पूछिएगा गुजरात से।
बताएंगे आपको गोपी गीत में। और उसमें इस बार पहली बार शिविर में हमने गोपी गीत का जो आयोजन किया तो म्यूजिशियंस भी रखे हैं, भागवत कथा में जो अपने साथ म्यूजिशियंस रहते हैं, गीत है, गाना है, और गोपी भाव बांसुरी बजती रहे तो उसका जो आनंद होगा वो अलौकिक ही होगा। बीजू कहीं तो कहीं क्या ना बीजू है, हमने एकादशी का एक अनुष्ठान शुरू किया है दिवाली के पहले से ही। प्रत्येक एकादशी को हम किसी न किसी भक्त के वहाँ, अपने किसी न किसी स्वजन के वहाँ मिलते हैं, सत्संग करते हैं। 1.5-2 घंटे का एक कार्यक्रम होता है, भगवद गीता के 15वें अध्याय का पारायण करते हैं, कुछ दूसरे स्तोत्रों का पारायण, और बड़े मुक्त रूप से, अगर मैं रहा, कोई कथा में न रहा और वहाँ पर रहा तो मैं भी वहाँ पर उपस्थित होता हूँ, और जो प्रभु प्रेरणा देता है स्पॉन्टेनियसली जो बात आ जाती है, कुछ 1.5-2 घंटे का सत्संग प्रवचन के रूप में करते हैं। और एकादशी इसलिए खाना पीना तो कुछ होता नहीं, केवल फल लेकर के, फ्रूट लेकर के मिलते हैं, तो हर 15 दिन में एक बार, परिवार हैं तो परिवार के लोगों को एक दूसरे को इच्छा होती है ना कि मिलें, बहुत समय तक नहीं मिले तो लगता है कि मिले नहीं मिले नहीं, तो हर 15 दिन को हमने ये तय किया है कि मिलना है। इसके लिए भी आपको कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो आलोक भाई से आप पूछ सकते हैं, कश्यप भाई से पूछ सकते हैं, भावना बहन से, अमित भाई से, सबसे, रेखा बहन से पूछ कर, छाया बहन ने तो बहुत ही पूरा स्केड्यूल उसने ही बनाया था, तो कौन सी डेट्स हैं कौन सी नहीं है, क्योंकि एकादशी निश्चित होती है ना साल में, 24 एकादशी हैं, उनमें से कुछ स्थान ऑलरेडी टेकन हो गए हैं कि भाई ये एकादशी तो हमारे यहाँ ही होगी, बाकी की जो है वो आप छाया बहन से संपर्क कर सकते हैं और भावना बहन से। बस हमें फाइनल बस तमें कौन तमे लई लो माथे अहमदाबाद ने एकादशी सुबह आभार विधि की जो बात की उसमें एक बात रह गई है, हमारे साथ अतुल वीडियो से नरेश भाई आए, उनका भी हम आभार मान रहे हैं, और आहूजा साउंड से ये भी मैं कह दूं भाई, अतुल वीडियो के जो अतुल भाई हैं, हमारे नरेश भाई हैं, मैं आग्रह रखता हूं कि नरेश भाई हमारे साथ में आए, और अतुल भाई से, क्योंकि नरेश भाई के हाथ में जब कैमरा होता है ना तब मैं निश्चिंत होता हूँ कि जो भी अंदर जा रहा है वो सही जा रहा है और जो भी बाद में दुनिया तक पहुँचेगा वो सही पहुँचेगा। नरेश भाई का मैं आग्रह रखता हूँ, और भी तो आप जानते हैं शादी ब्याह की सीजन चल रही है तो इनको भी हम पूरे हफ्ते में नहीं दे पाते, वो एक दिन में मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से अतुल भाई ने यह सेवा पिछले 3-4 शिविरों से प्रदान कर रहे हैं, पिछले 3 शिविरों से, राइट, कि कहते हैं कि गुरुजी अपने सत्कर्म अपनी संस्था का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने ऑफर भी किया कि जो भी आपका खर्चा आता हो, कहते हैं नहीं वो भी मेरी सेवा है, तो बिना कोई अपेक्षा रखे अतुल वीडियो की हमसे ये सेवा मिल रही है। बस में जो आए हैं उनको भी जाते वक्त योगिनी बेन का संपर्क कर लेना, जिनको बस में जाना है वो, और चावी देख रूम की रिसेप्शनिस्ट में छोड़ देना, और अभी पूज्य गुरु जी के हाथ से कैलेंडर आपको दिए जाते हैं, तो पर फैमिली एक ऐसे आप आकर आप दे दीजिए। चढ़ी ना सका क्या यहाँ पे, हमें स्वयं मेहनत नहीं करो, चलो
चल बदल बोला इतना फोटा मत उपेन भाई फोटोग्राफ मैं आई।